Mic. Mic. Ah, yeah. Can you hear me now? Yes. Okay, so we are on. This is probably the only bit of English we'll be speaking. It'll be mostly in local language. But before we begin, I just want to say that this is ASAP is part of the live stream. This is all for COP9, but we'll be discussing something a little bit different. And with me is Hussain. He's also part of ASAP. He helps ASAP on and off. And he's very vocal in raising his voice for the cause. I'll give a bit of an intro for myself. My name is Mirza Abir. I founded the Association for Smoking Alternatives Pakistan. It's the leading consumer advocacy organization in Pakistan. They're a non-profit, and we're doing what everyone else in the Asia Pacific region is doing, brilliant work. And so now let's get started, but this time in Urdu. Hussain. So kahan se shuru kare? कहाँ से शुरू करें? हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा इशू हो रहा था। आई वाज वो यहाँ से करते हैं कि आपने किस तरह वेपिंग शुरू की, आप किस तरह वेपिंग पे आए? 2014 में क्या कहते हैं, यहाँ पे तो इतना होता नहीं था यार, किसी के यहाँ पे सुना भी नहीं था इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में। एंड मैं बहुत पीता था सिगरेट्स, आए मुझे तो बस बहुत शौक था कि मैं पीता ही रहूँ, आए मुझे छोड़ने का शौक ही नहीं था। बट एस्थमा मेरा बुरा होता रह रहा था, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि यार आई नीड समथिंग के आई शुड प्रॉब्ली गिव इट अप। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे, बिकॉज आई लव स्मोकिंग। तो उस चक्कर में आई रिमेंबर मैंने कहीं पे देखा था कि एक कोई शॉप का एड था, वहाँ पे ये चीज़ एडवर्टाइज हुई थी। एंड उस ये तो 2014 की बात है जब इतना कुछ होता ही नहीं था इसके लिए, क्या कहते हैं, वेपिंग कुछ पता ही नहीं होता था, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो मैं गया था, ओशन मॉल में था, एंड वहाँ पे मैं गया एंड शॉपकीपर था, बड़ा अच्छा था, उससे मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करा एंड आई वाज हुक्ड, इंप्रेस्ड। उस टाइम पे भी एक्सप्लेनेशन दे सका वो, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। दानियाल था शॉप का, उसने प्रॉब्ली सबको ट्रेन करा होगा बाहर से कुछ ना कुछ शुरू करने से पहले। एज वन ऑफ द लीडिंग शुरू का जो स्टोर था, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा था तो ट्रेनिंग तो देगा ना। तो उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा था मुझे कि आपने जोर से इनहेल नहीं करना, आपने कंसिस्टेंट इनहेल करना है। ऑब्वियसली इट वाज अ सिगल लाइक, कि उस जमाने में तो थे ही सिगल लाइक्स, ई बोर्ड निकलने वाले थे, निकल गए थे, बट दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो आई रिमेंबर कि मैं वो लेके आया था घर एंड इट हैड दैट रेड लाइट आगे, तो मुझे बड़ा वो होता था इन पीते हुए के वीडियो नजर आ रही है मेरी? जी जी नजर आ रही है, परफेक्टली नजर आ रही है, बस वो थोड़ा लैग है इंटरनेट की वजह से। मेरा 50 MB इंटरनेट है, मैं डायरेक्ट राउटर के पास बैठा हूं, फिर भी लैग है, क्या कह सकते अच्छा मुझे बार-बार अपने आप को रोकना पड़ रहा है कि आई कि मैं इंग्लिश में ना बोलूं, अचानक मेरी डिफॉल्ट है। मेरे साथ भी यही होगा, आप फिकर नहीं करें, मेरे साथ भी अभी यही होने वाला है। तो मुझे साथ पे मैसेजेस बहुत सारे आते रह रहे हैं, तो हाँ तो मैसेजेस भी हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, मेरे दूसरे ग्रुप्स के आते रह रहे हैं मुझे, वो जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा। सही तो अब तो बड़ी अच्छी डिवाइसेस आ गई है, बट उस वक्त मुझे याद है जब मैंने यूज करा था इमीडिएटली, यानी कोल्ड टर्की क्विट नहीं होता, आई डिड नॉट स्मोक अगेन। मैं वो लेके आया एंड मैंने यूज करा, एंड मैं तो इसी रिसर्च करी थी बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो आई वाज लाइक आई नीड टू सर्च ये है क्या चीज एंड व्हाट्स द होल मैकेनिज्म एंड इज इट एक्चुअली सेफ। मैंने बैठ के रिसर्च करी उस जमाने में, आई थिंक इट वॉज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स फॉरम, को याद है वो जो पुरानी फॉरम होती थी वेबसाइट, देयर वाज बहुत पहला फॉरम पीवीसी था, मेरा पहला फोरम पीवीसी भाई, और कुछ नहीं था।
बिफोर पीवीसी आई रिमेम्बर एक दो जगह होती थी हम लोग जाते थे ऑनलाइन एंड रेडिट के अलावा देयर वाज दिस वेबसाइट आई फॉरगॉट इलेक्ट्रॉनिक एग्जिबिट फोरम 360 तो नहीं था नहीं वो तो बहुत बाद में आया था वो इट वाज जस्ट यू नो वो जो जाते हैं फोरम्स होते हैं लाइक यू नो लाइक जैसे पांच गेमर्स का फोरम नहीं होता था तो वहां पे जाके रिसर्च एंड जनरल गूगल करा एंड पता चला गया दिस थिंग इज लेजिट एंड इसका मैकेनिज्म इज जस्ट इट्स निकोटीन बीइंग वेपराइज्ड एंड आई एम गेटिंग इट जाके मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी थी द होल जो पूरी हमें पता चला था कि यार दिस इज व्हाई स्मोकिंग इज बैड एंड दिस इज व्हाई वेपिंग इज गुड इट मेड सेंस हां ठीक है उस वक्त कोई रिसर्च नहीं थी बट नो कॉमन सेंस टोल्ड मी कि यार ये चीज इज बेटर एंड अच्छा मजे की बात ये हुई जब मैंने यूज करना शुरू करी थी तो मेरे जो दोस्तों से मैं मिला था वो मुझे बोलते थे यार आप ज्यादा पी रहे हो बिकॉज मैंने लिटरली आई वाज जस्ट सकिंग ऑन इट ऑल द टाइम एंड इट वाज एक्सपेंसिव क्योंकि मुझे उसके बार बार वो कार्टोमाइजर्स लेने पड़ते थे एंड इवन फिगर्ड आउट हाउ टू रीफिल द कार्टोमाइजर्स और जुगाड़ तरीके से मैं पी रहा था यहाँ पे तो हर चीज हमने जुगाड़ से ही शुरू की है टेक्निकली एक-एक चीज जुगाड़ से शुरू हुई है अब जाके तो स्टेबलाइज है अब तो बहुत आसान है कि आपने दुकान में गए कि भाई मुझे एक डिस्पोजेबल पॉड सिस्टम दे दो उठाया वेप किया खत्म किया फेंक दिया मगर ये बताएं आप आपने सिगरेट के कौन सी एज में शुरू की और किस वजह से शुरू की सोशल प्रेशर इसी सवाल तो ये है सिगरेट का गेटवे था क्या आपके लिए मैंने शुरू करी थी व्हेन आई वाज 15 और मैंने शुरू करी थी बिकॉज पीयर प्रेशर तो नहीं बोल सकते हर बंदा पी रहा था यार एंड इट वाज लाइक द वे टू गेट हाँ आई मीन लाइक टू बी पार्ट ऑफ अ क्राउड एंड मैं मजाक नहीं कर रहा मैंने दोस्तियां ऐसी करी हैं जो अभी तक है वो दोस्तियां आई रिमेंबर मैं एसीसीए कर रहा था The way I actually got to know you was vaping के through ही पता चला बातचीत इसी तरीके से भी basically cigarette or smoking or any sort of ये vaping जो भी हो गया it's a form of an ice breaker मतलब कि आपको बात करने में आसानी हो जाती है आप अपने product से शुरू होते हैं फिर personal आप lives भी अपने उसके बारे में भी बात होना शुरू हो जाती है but I guess उससे most of us I think started early off because of this मुझे अभी भी याद है मैंने पहली दफ़ा इसलिए ट्राई की थी बिकॉज कुछ लोग कोने में बात कर रहे थे और मैं उनके साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता तो वो मतलब के कह रहे थे कि तुम जाओ तुम नहीं पीते मैंने कहा चलो मुझे भी ट्राई करा दो ट्राई करने के चक्कर में फिर वो होता ही था ट्यूशन के बाद हाँ भाई हम लोग सारे जो इकट्ठा होके एक जगह पर वहाँ पर बातें कर रहे हो अदरवाइज तो वहाँ पर आप अकेले खड़े रहो बाकी सारे सिगरेट पी रहे हैं ये बड़ा प्रॉब्लम होता था तो दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू स्मोकिंग और वो ऑन एंड ऑफ शुरू में तो एक दो चलती रही फिर यूनिवर्सिटी में जाके तो फिर उफ खुली छूट थी बीच में मैंने कॉलेज के दौरान छोड़ भी दी थी बिकॉज कॉलेज के हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे अगर यूनिफॉर्म पे सिगरेट पीते हुए पकड़े गए तो बहुत बड़ा फाइन ये कौन सा कॉलेज था बहुत बड़ा फाइन था अगर आप पकड़े जाते विद द यूनिफॉर्म आपको कभी-कभी सस्पेंड भी कर देते माय गॉड ये क्या नाम है नदीम है प्रिंसिपल कौन है नदीम गनी नदीम तो पीते थे ऐसे नहीं था लोग नहीं पीते थे जो कहते थे बाढ़ में जाए हमें नहीं फर्क पड़ता बट मैं केयरफुल था मैंने कहा यार ये ना हो कि बिला वजह बात चली जाए फिर वो पेरेंट्स को क्या पेरेंट्स से भी तो छुपाना है कि यार नहीं पीता सिगरेट थोड़ी पीता पता कब चला था अच्छा मैं अब तक तो बताओ मेरे पेरेंट्स को तो शक था मगर तब तक नहीं पता चला जब तक मैंने वर्बली नहीं बोला कि अच्छा यू नो मैं मेरे पेरेंट्स को मेरी अम्मी को शक हुआ था वो भी यूनिवर्सिटी के टाइम क्योंकि इसलिए मैं सिगरेट अक्सर होता था रूम में ही पी लिया मतलब कि जो है ना खोल के फिर सब वेंटिलेट करके कमरे में पी एक दो दफा उनको स्मेल आ गई थी तो जिस दिन मैं घर पे नहीं था उन्होंने ड्रॉ में डब्बा देख लिया और कोई पीता था घर पे नहीं सरप्राइजिंगली इनफ ना तो भाई पीता है ना अब्बू पीता है दादा पीते थे बल्कि एक्चुअली कुछ साल पहले मुझे कुछ पता चला फनी थिंग इज
अब ये तो तुम्हारा मैसेज, ये जो ट्रांसलेट कर रहा था ना, वो नीचे लिखा आ रहा है। हाँ तो बता। अब्बा काम करते थे मेरे पीटीसी में। अच्छा। हाँ, उस जमाने में उनको एडवर्टाइजमेंट्स के, एक तो बहुत सारी चीजें उनके पास आके जमा हो जाती थी, लिटरली डब्बे आते थे, उसके अंदर वो स्टिक्स होते ना, डंडी कहते हैं ना वो, भरी भी होती थी, वो फ्री में बांटने के लिए आते थे। तो अब्बू से मैंने पूछा, आपको कभी टेम्पटेशन नहीं हुई कि यार सिगरेट एक पी के ट्राई करूँ? कहते हैं भाई, मैं जब फैक्ट्री में होता था, मेरे पास फ्रेश सिगरेट्स आती थी, रोजाना एक मग होता था टेबल पे, उस पे रख, उसके अंदर भर के जाते थे रोजाना। तो ये करते थे, एक निकालते थे रोज और एक लाइट करते थे। तो ये मुझे कुछ अरसे पहले पता चला है कि अब्बा भी स्मोकिंग करते थे, मगर उस तरह नहीं करते थे जिस तरह हम लोग करते हैं। He wasn't exactly addicted to it. He liked the charm out of it. अच्छा। ये सुना था मैंने कि एम्प्लॉइज को दिए जाते थे, मगर बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज आता था उस टाइम पे, वॉचेस होती थी उस टाइम पे, सिगरेट के डब्बे होते थे, लाइटर्स होते थे, लाइटर्स की एक्सेसरीज होती थी, इतनी सारी चीजें। अभी भी घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिलेगा जरूर, इतनी चीजें आई हैं घर। गोल्ड लीफ, बेंसन, एनीथिंग, अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। बेंसन वाज देयर, गोल्ड लीफ एंड बेंसन वाज देयर लाइक टॉप सेलर। हां, वो तो अभी भी है पाकिस्तान में, तो अभी मार्केट ही की है। हां, और मेरा बेंसन के प्रोडक्ट्स जो है ना, बहुत अच्छे होते थे, मतलब क्योंकि गाड़ियां वगैरह, लाइटर्स वगैरह बहुत मुझे वो मिला था। अबू जब पीते थे तो बीच में कंपटीशन निकला था, क्योंकि ये तो मैं बात कर रहा हूं बचपन की, तो कंपटीशन था कि कितने डब्बे अलाउड होगी उस टाइम, एडवर्टाइजमेंट भी अलाउड होगी, अलाउड थी। वही इशू है ना कि डेवलप कंट्रीज गेट रेगुलेशंस बिफोर देयर, वहां पे ज्यादा अवेयरनेस है, वहां पे जल्दी रेगुलेशंस आती है, एंड countries that are developing like Pakistan, वहाँ पे देर से आती है। तो advertisements, ये सब चीज़ें बहुत याद है बचपन में। I don't know, मेरा शायद age gap ज़्यादा होगा, but बचपन में ad आते थे, बंदा पहाड़ चढ़ रहा है, weird कि smoker जल्दी पहाड़ चढ़ गया, then the other guy, K2 जी, अच्छी तरीके से Gold Leaf आते थे। हाँ, Gold Leaf का तो वो ये था कि sale कर रहा होता था, सेलर था यूजुअली, अगर हां गोल्ड लीफ सेलर था, स्नूकर भी खेलता था, स्नूकर भी खेल रहा होता था। हां, तो ये सारे एड्स याद है, मैं बहुत छोटा था, बोले सॉरी। अच्छा, तो कंपटीशन ये था कि इतने डब्बे आप भेजे बेंसन के, एंड आपको वो मिलेगा, लाइक क्या कहते हैं, एक होती है ना स्विस आर्मी नाइफ और ये सब चीजें। तो मैं तो पागल हो गया था, बच्चा था, मैंने कहा यार अब्बू मुझे चाहिए। अम्मी मेरी बोलती थी यार अब्बू को और सिगरेट क्यों पिला रहे, अब हम दो भाई, भाई तो हम ज्यादा है, मगर इधर अब बेसिकली सब लड़कों को हो गया था कि यार हम सबको चाहिए। तो अब्बू के लिए सिगरेट के डब्बे जमा करके भेज रहे होते थे, एंड बड़ा एक अलग ही दुनिया होती थी। बट खैर, हम टॉपिक से बहुत इधर दूर हो गए। हाँ, कमिंग टू वेपिंग, तो वेपिंग मेरे लिए किस तरह स्टार्ट हुई? वेपिंग जो है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम पे शुरू तो उसी तरह, वापसी रिज्यूम इसी तरह हुआ था कि भाई गैदरिंग है उनके साथ सिगरेट पी, बट वो एक टाइम पे इट बिकेम टू बॉक्सेस अ डे, वो टू बॉक्सेस अ डे, स्लीपिंग, ईटिंग, मतलब कि सब कुछ हर टाइम पे एक हाथ में सिगरेट जरूर होता। तो दैट ये आप कुछ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में दो डब्बे तो पीना शुरू हो गए थे, मुझे नहीं पता था। दो डब्बे मगर फनी थिंग इज, मेरा वेपिंग इस तरह मेरे भाई ने पकड़ी थी, खुशबू आ रही है
तुम या तो शीशा पी रहा है या अच्छा सिगरेट नहीं पकड़ा, वेपिंग पकड़ ली, वेपिंग पकड़ी। अच्छा वेपिंग जब मैंने शुरू की थी ना, उसके 2-3 महीने बाद ही मैंने फैमिली को एक्चुअली जाके खुद बताया, उसका रीजन यही था कि दिस इज बेटर, दिस इज 95% सेफर, और हमारे घर में खानदान में इतने सारे लोग हैं, मैं तो डेफिनेटली कहूँगा, मैं उनके सामने भी बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसलिए ये चीज़ अच्छी है। वो जो सारा वेकिंग अप फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, और फिर वो रात को खास खास के गला बिल्कुल ऐसे लगना है कि गला ही बाहर आ जाएगा, ये सारे इश्यूज जब होना शुरू हुए तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे वेपिंग पे शिफ्ट होना था। मैं जो पहला जो मैंने ई सिगरेट खरीदा था वो दैट वॉज फ्रॉम डॉलमेन, वहाँ पे नीचे एक छोटी सी दुकान है फार्मेसी, वहाँ पे उनके पास थे डिस्पोजेबल्स, जो पतले वाले डिस्पोजेबल आते हैं वो थे। क्या नाम था वो? नाम मुझे याद नहीं है, बस रैंडम पैकेजिंग होती थी, तो मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर उठाया, मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं, क्या पता अब समझ में आ जाए। अब मैं शुरू में जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, आपको पता है जब से वेपिंग स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग छोड़ने के बाद, तो आपके वो गले में जाके लगता है, तो मैं इतनी खांसी हूँ, मैंने कहा यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो गले में और लग रही है ख़राब। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने कहा यार चक्कर क्या है, ये इतना गले में क्यों लग रहा है और क्या है, तो वो बेसिकली निकोटीन पहली बात उसमें ज़्यादा थी, दूसरी चीज़ इट वॉजेंट एग्जैक्टली वो प्रॉपर ई सिगरेट, तो वो नहीं कह सकते वो कौन सी कंपनी थी, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या है, चाइनीज था, अच्छा था, नहीं था, वो नहीं मानती। तब मैंने जाके जब आर्टिसन वाली जो दुकान इतनी दफ़ा गुजरते हुए देखी थी, तो मैंने उधर से जाके अपना पहला ई सिगरेट परचेज किया, उधर से मैंने वेपिंग स्टार्ट की। उसके बाद साल था आई थिंक 2016, आपके दो साल, मेरे दो साल, आपके दो साल बाद। कितने साल हो गए सिगरेट पीते हुए? सिगरेट पीते हुए वही आप हिसाब लगा लें, 15-16 साल की उम्र से शुरू किया हुआ था, तो आई थिंक अ गुड चंक ऑफ लीस्ट 8 years, आई थिंक 8 years, आई थिंक। तो क्योंकि इसलिए वेपिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, सिगरेट मैंने फौरन नहीं छोड़ पाया, क्योंकि इसलिए उस जमाने में हमारे पास सिर्फ, याद होगा आपको, सबोम जाते थे। yes, और वो सबोम से MTL मिलते थे, बट हर कोई रेकमेंड नहीं करता था। नहीं नहीं, MTL मिलते थे, मगर जो हमारे जो शॉप सेल्समैन थे ना, उन लोगों का ये होता था आइडिया कि भाई बिल बनाना, बंदे का बिल बनाओ और उसको डिवाइस भेजो, और ताकि वो जूस ज्यादा खरीद। तो अगर शुरू से ही गाइडेंस मिली होती कि नहीं यार MTL क्या होता है, DL क्या होता है, ये सब कुछ तो मुझे PVC की वजह से सीखने को मिला। एक दफ़ा जब मैं असल में यूनिवर्सिटी में था, एक बंदे ने कहा यार तुम PVC क्यों नहीं ज्वाइन कर, तो ये क्या है, ये क्या बला होती है। तो जब गए ज्वाइन किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, इधर तो 10 सवाल पूछ लो, लोग तो मजाक वजाक भी नहीं उठते। उस वक्त तो था भी अच्छा, उस वक्त था, अब तो जो है छोड़ दें, मगर उस जमाने में तो बहुत हेल्पफुल था। उसी चक्कर में मैंने 10 चीज़ें रिसर्च की, मुझे आइडिया हुआ, फिर मुझे एडवोकेसी का भी बड़ा शौक होने लगा कि यार लोगों को भी कन्वर्ट करना चाहिए। तो जब वेप शॉप उस जमाने में, उस टाइम पे जब वेपर्स लॉफ जब खुली, तो उधर बैठे बैठे तो मैंने ख्याल से आराम से मैंने 50-60 बंदे कन्वर्ट किए होंगे, उनको बैठ बैठ के समझाया कि भाई ये है, इसकी सेफ्टी ये है, क्या साइड इफेक्ट्स ये हैं, फला ये साइड इफेक्ट्स। तो मेनली हमारे लिए क्या था उस टाइम पे, सिर्फ यही था कि भाई पानी ज्यादा पीना, ड्राइनेस बहुत, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम मिले थे बिल्कुल, दैट हमारी कम्युनिकेशन हुई थी ऑन फेसबुक, पहले आई थिंक वी मेट ऑन एस्प्रेसो, आई डोंट, वी रैंडमली मेट, आई थिंक जस्ट फॉर, उस टाइम पे मिले थे हम, और आई वाज सरप्राइज टू फाइंड आउट कि आप एस्प्रेसो के अंदर बैठ के वेपिंग कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट फ्लोर आई थिंक, यस द फर्स्ट फ्लोर। तो उसके बाद जो है वी आर, यू कम्युनिकेटेड टू मी के सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है लॉफ्ट का, उसके बाद जो है मैं आई रियली गॉट इनटू इट, रिबिल्डेबल्स पे आए, रिबिल्डेबल्स समझे, फिर लोगों को समझाया कि भाई पैसे किस तरह बचाने हैं अगर आपने वेपिंग करनी है। फिर आहिस्ते आहिस्ते आई स्टिल रिमेंबर निकोटीन सॉल्ट्स जब आए, दैट ट्रूली वॉज अ गेम चेंजर फॉर आर इंडस्ट्री ओवरऑल। पाकिस्तान में खास तौर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था निकोटीन सॉल्ट्स की वजह से, उसकी वजह से काफ़ी जो कन्वर्टिंग
था ना वो ज़्यादा शांत था, सिंस इट वॉज हाई निकोटीन और क्विक एब्जॉर्प्शन ना, उसकी वजह से इट वॉज वेरी इजी टू कन्विंस पीपल एंड इट वॉज वेरी इजी टू हुक देम ऑन टू वेपिंग एंड लीव स्मोकिंग ऑल टूगेदर। और इनिशियली आपको याद हो इसलिए क्योंकि डिवाइसेस भी उनकी छोटी हैं, डिस्क्रीट हैं और खर्चा भी कम आता है कंपेयर टू समथिंग लाइक। प्लस आपको याद होगा शुरू में जब आए थे फ्लेवर्स निकोटीन सॉल्ट्स में, वो आए ही टोबैको थे, वीगॉट के टोबैकोस थे और वो थे काफी इम्पैक्टफुल थे इन द सेंस के आपको पता था यार वो सिगरेट का टेस्ट भी वैसा आ रहा है और अच्छा लग रहा था स्मोकर को, तो फॉर देम इट वाज क्वाइट इजी। जबकि मेरे ओपिनियन में मेरे लिए आसानी इस तरह हुई थी कि फ्रूटी फ्लेवर्स नहीं होते तो मेरे ख्याल से मैं वापस स्मोकिंग पे जा चुका हूँ। टोबैको फ्लेवर्स उस टाइम पे पिए जाते ही नहीं थे, बुरे लगते थे कि भाई यार वही सिगरेट की याद आ रही है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले मैं। और वो क्रेविंग भी इसी वजह से बार बार होती थी कि यार वो सिगरेट होती। आई स्टिल रिमेम्बर वो नेकेड का हवाइन पॉग, उफ, दैट वाज माय सेकंड फ्लेवर दैट आई बॉट। और वो जितना पिया है उतना तो आई थिंक हमने उससे ज्यादा तो नहीं है, बहुत तो वो पिया है, स्पेशली मेंथॉल पे जब निकला था। मेंथॉल वाज एक्सीलेंट, आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू, आई कॉल्ड यू अबाउट मेंथॉल, आ गया मेंथॉल, लेट्स गेट मेंथॉल। और उस जमाने में तो हम लोग उस पे आ गए थे, डिजर्ट्स पे आ गए थे, फिर भी हमने मेंथॉल ली। बिल्कुल, मगर ये दिस इज यार, ये तो 2016 पोस्ट की बात बता रहे हो ना। जब मैंने शुरू करी थी तो ईलाइट जो है ना उनके पास होते थे फ्लेवर गोल्ड लीफ, बेंसन, मार्लबोरो, और मैं जब अभी भी था वो अभी भी है, अभी भी है, अभी भी वो 10-10 ml की बोतलें बेचते हैं क्योंकि इसलिए मार का वो कस्टमर बेस तो है। हां, जो सिंगल लाइक तो सही कर सकते हैं वो अभी भी खरीदते हैं। ये दिस इज न्यूज टू मी, आई डिडंट नो कि अभी तक है, बट दे वो एक्चुअली है नहीं और वो रीब्रांड करके उसने करवाए हुए हैं। आई रिमेम्बर उस वक्त हैंगसेन और डेकैंग चाइनीज फ्लेवर बहुत आते थे, तो यहाँ पे किसी और बंदे से मैंने मंगवाया था और US से मेरा एक दोस्त आया था, वो भी मेडे लेके आया था एंड उस वक्त 48 mg तक मिलता था, तो मेडे वो एक लेके आ गया था मेलन फ्लेवर, आई स्टिल कांट फॉरगेट इट, और CE4 ई वॉटर CE4 या CE5 टैंक लेके आया था एंड मैं उस पर जब शिफ्ट हुआ आई लव इट बेटर देन द सिंगल लाइक। आज तक मेलन ही कर रहे हैं आप, आपका एमटीएल सेटअप तो मेलन ही है, वो आपने नहीं छोड़ा। हां, वाटरमेलन नहीं बट वाटरमेलन चलिए ठीक है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इट्स मैंगो एंड ड्रैगन फ्रूट। हां नहीं, दिस इज ये आई ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी है। हाँ ये एक्चुअली मुझे लेनी है, सेल लगी है, मुझे लेनी है, मैं भूल गया हूँ। ले ले सेल, आज की दो दिन और की लगी है, ले ले लगी है। अच्छा बस सही है, फिर सही है। अब तो स्टॉक पूरा करना है, हर चीज महंगी तो हो रही है अभी, ये समझ में नहीं आ रहा करेंगे क्या। स्पेशली मैं सोचता हूँ कि वेपिंग पाकिस्तान में हमारे लिए महंगी हो रही है, तो जो आपकी जनरल पब्लिक है उसको कैसे इस चीज़ पर कन्विंस करें, स्पेशली क्योंकि सिगरेट्स हो ही नहीं जितनी महंगी होगी। बताता हूँ, ई सिगरेट्स तब भी महंगी नहीं होंगी। मैं उसकी बड़ी उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक, देखिए जो बॉटल्स ले रहे हैं ना उनके लिए महंगी होगी, जो डिस्पोजेबल्स हैं ना डिस्पोजेबल्स वालों के लिए सेम है, उनकी प्राइस पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि इसलिए आपकी हार्डवेयर प्राइसिंग अभी भी सेम है, हार्डवेयर प्राइस इज नॉट अफेक्टेड। आपका तो वो पर ml वाली कहानी आ गई है ना, उस पर आपको महंगाई होगी। अगर आप डिस्पोजेबल्स पे भी पर ml पे भी आप लगा दें टैक्स वगैरह, तो 2-3-4 ml में आप वो क्या टैक्स ज़्यादा पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपकी प्राइस पर उतना कोई खास फर्क नहीं आएगा। मैं डिस्पोजेबल्स के फेवर में हुई नहीं, मैं भी नहीं, मुझे कभी भी, क्योंकि मैं भी नहीं, पोल्यूशन एग्जैक्टली वेस्टेज ज्यादा है इसमें, हम लोग ने कितने वेस्टेज वगैरह हमने कम किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं कॉटन करते हैं। मैं जो कॉइल्स इस्तेमाल करता हूँ दोज आर अ बिट हाई प्राइसी कॉइल्स, बट ये 2-3 महीने तक एक कॉइल में चला रहा हूँ, तो फिर तो आप वेस्टेज वगैरह भी इसमें बच रहे। सबसे बड़ा मसला सिगरेट्स का ये था आई थिंक, जो UK में जो इन लोगों ने सिगरेट्स से जो है काफी जो तंग आए थे, दो चीजें थी, एक तो एयर पोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा जो है एयर पोल्यूटेड हो गई थी उनकी, और दूसरा था कि इसका जो गंदगी, इसके जो सिगरेट बड्स वो हर जगह मिल रहे और वो दर्जनों के हिसाब से मिल रहे, तो
वेपिंग इज नॉट ओनली एग्जैक्टली हमारे लिए सिर्फ सेफर नहीं है, इट्स बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, इट्स बेटर फॉर एवरीवन टू बी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर बिग टोबैको एंड बिग फार्मा, बट ओवरऑल इट्स बेटर. यू कांट आर्ग्यू कि नहीं यार वेपिंग ये कर रही है वो कर रही है. मैं इतना टाइम हो गया वेपिंग करते हुए, मुझे वेपिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है यहाँ तक के. अब ठीक है यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे दे माइट बी स्केप्टिक्स एंड दे माइट नॉट एग्जैक्टली बिलीव इट, मगर कोई भी ये आर्ग्यू नहीं कर सकता दैट क्लेम दैट वेपिंग इज 95% सेफ, उससे कैसे आर्ग्यू कर सकते. काफी अच्छा है, मैं डॉक्टर्स, मैं काफी डॉक्टर से मिला हूँ जिनने मुझे बोला है कि नहीं इट इज सेफर, आप कर सकते हैं. और नो डॉक्टर्स मुझे वेप वो बात नहीं है, आई नो मेजॉरिटी डॉक्टर सिगरेट भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं डॉक्टर्स. हाँ तो मैं, अच्छा मेरे साथ तो इशू ये है कि मैं इसको बहस नहीं करता. मैं जब बैठा भी होता हूँ फर्म में और कोई क्लाइंट भी आता है मुझे बोलता है और इतने अजीब से मुझे सवाल पूछेंगे कि ये ज्यादा नुकसानदेह. एक ने तो अभी लाइक दो हफ्ते होकर मुझे बोला कि ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह. मैंने कहा कैसे, मैंने कहा चलो ठीक है एक और बंदे को एजुकेट कर लेता हूँ. कहता है कि बिकॉज आप इसके अंदर इनहेल ज्यादा जोर से करते हैं इसलिए ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह. मैंने कहा यार ये पहली दफा मैंने चीज देखी है कि आप इनहेल ज्यादा करें जोर से, आई मीन लाइक आप जोर से इनहेल कर रहे हैं तो इट्स बैड फॉर योर लंग्स. मैंने कहा कि किस बंदे ने आपको बोला, दैट मेक्स नो सेंस. मैंने ये तो सुना हुआ कि ज्यादा धुआं ज्यादा नुकसान इसमें है और वो तो अलग ही एक बिल्कुल वो है कि भाईजान कंबशन में सिगरेट में हम ज्यादा जोर लगाते हैं, सिगरेट में खींच रहे होते हैं. अगर कहीं प्रेशर पड़ना चाहिए तो सिगरेट के मामले में पड़ना चाहिए, वो तो फिर भी स्मोक है, दिस इज वेपर. आई मीन शीशा, शीशे में आप ज्यादा जोर से इनहेल करते हो कंपेयर टू सिगरेट्स, बट ये लोगों ने लगाया हुआ है ना कि लिक्विड है, लिक्विड देखते हैं कहते हैं आपके फेफड़ों में इसको क्या होगा. मैं कहता हूँ भाईजान जब बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर नहीं बोलता भांप लो, और उस वक्त क्यों वो सही होता है. तो एजुकेशन यहाँ पे है. द वेपर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ वो मेरे हिसाब से तो फ्यूचरिस्टिक है. आप हर चीज ही वेपराइज फॉर्म में आप बाहर ले रहे हो. मेरे ख्याल से तो इन द फ्यूचर आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द मेडिसिन विल बी अवेलेबल एज वेपर बिकॉज इट्स ईजियर and it's quicker for your bloodstream to you know get into your bloodstream. So wo baat wahi aa jati hai ki as opposed to directly injecting it into your bloodstream it's quicker. main un dawaiyon ki baat nahi kar raha, main ab jaise ki aap wo dekh le, I'm not sure if we can talk about that thing, but wo bhi to vaporized form mein mil raha hai na, kisi wajah se mil raha hai na. ab aisa to nahi hai na ki you get my point. Yes, I get your point. यहाँ पे नहीं है एंड उसकी वजह से बड़े इश्यूज हुए थे. आपको भी याद होगा जब वो पूरा निकला था, क्या क्या नाम, ई वैली. That was उसके ऊपर एक एपिसोड बना था. If you remember, अभी आपने देखा ही होगा न्यू एम्स्टर्डम, अगर देखा है आपने, आपको मालूम होगा उसमें एक एपिसोड आया. Yes, आया. और मुझे उसपे बटन, मुझे भी गलत है जो क्यों जो कर रहे थे न्यूयॉर्क में थे, वहीं पे आपके केसेस भी थे, तो बस ये है कि लोग उसके बाद देखते नहीं है कि आपके FDA ने और CDC ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है. और यहाँ पे भी बहुत इशू हुआ था, आई श्योर यू रिमेंबर, ऐसे आप तो था नहीं उस वक्त, मैं फिर भी PVC का एक्टिव एडमिन था. फैमिली ने मुझे तंग करके रखा था वैली के आर्टिकल्स. मैंने कहा मैं इसका क्या करूँ, ये वो चीज है ही नहीं, समझाना मुश्किल हो गया था कि भाई ये वो नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज निकोटीन एंड फ्लेवरिंग. ये निकोटीन एंड फ्लेवरिंग नहीं है, दिस इज वीड एंड दिस इज इलिसिट वीड एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट द प्योर काइंड. मैंने इस्तेमाल वो भी जो ये सारी चीजें जो हैं ये लोग यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, मिलते हैं, आप मिलने लगा है, बट ओपनली मिलने लगा है. और यहाँ तक कि यू कैन इवन गेट अ प्रिस्क्रिप्शन और पाकिस्तान में. मैं आपको अभी आप मैसेज करके आपको मैं डिटेल्स दे सकता हूँ.
कितने का मिल रहा है, सब मिल रहा है बिकॉज यू कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर एंड गेट दैट सीबीडी फॉर योरसेल्फ। वो तो अलग है ना, आई मीन लाइक द फाइट फॉर सीबीडी तो मैं भी लड़ भी नहीं रहा ना, मुझे भी कोई शौक है लड़ने का क्योंकि इट्स फिलहाल हमारे पास कोई रेगुलेशन टेक्निकली है ही नहीं, हम लोग ग्रे एरिया में अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। टैक्सेशन रेगुलेशन हो रही है, टैक्स टैक्स होता है, टैक्सेशन समथिंग डजंट एग्जैक्टली मीन दैट यू आर रेगुलेटिंग, बस सिर्फ वो होगा कि आप परचेज कंट्रोल कर रहे हो, आप उसकी जो है कॉस्ट वगैरह ये सब कंट्रोल। अभी तक वो ये तो हमें फायदा नहीं हुआ है उससे कि ओवरऑल जो है लोगों को भी एजुकेट किया जा रहा है और जगह जगह जैसे कि मैं बस स्टॉप से हर जगह लिखा कि भाई वेपिंग इज सेफ, ये होने लगे तो बात दैट इज वो तो मगर देखो वहां की गवर्नमेंट है उनको वो उनको खुद शौक है, वो तो अपना करना चाह रहे हैं, अपना इंपैक्ट कम। हमारे यहाँ पे तो अभी ऐसा अभी है ही नहीं क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, कोई डायलॉग भी नहीं कर रहा ना। आप देखो पीवीसी ने ये चीज बहुत ओपन करी है क्योंकि जब वो ग्रुप बना था, जब वो फेसबुक ग्रुप बना था तो उस वक्त आई रिमेम्बर के अदनान मुझे मिला था, ऐसी फेसबुक पे जमाने में साइट पे आप कमेंट्स छोड़ सकते थे, चैट कर सकते थे ना, तो वहाँ पे आई फॉरगॉट सेफेस्ट सिख था या क्या था, वहाँ पे अदनान मैं अहमद हमारी आपस में उससे कुछ सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया और बस ऐसी दोस्ती यारी हो गई। उसने पीवीसी बना के मुझे ऐड करा, मैंने बोला यार नाम चेंज करो, नाम मेक्स नो सेंस, नाम उसने चेंज करा एंड मैंने कहा मुझे as long as you're here, can you, मैं एडमिन बन जाता हूँ। उसने बोला हाँ ठीक है, तो मैंने बड़ा एक्टिव रोल लिया बिकॉज आई बिलीव्ड इन दिस एंड मैं चाह रहा था इसको ज़्यादा अवेयरनेस इसकी फैले एंड हमने एक्सप्लोजन देखी थी इन मेंबर्स एंड उसी के चक्कर में आई फर्मली बिलीव कि वहाँ पे जो लोगों ने आके जितनी भी आपकी शॉप्स खुली है दे सॉ कि यार पाकिस्तान में है एक रोबस्ट कम्युनिटी है ऑफ वेपर्स एंड दे आर रियली पैशनेट। उस जमाने में पैशन तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था बिकॉज यानी अवेयरनेस थी नहीं एंड एवरीवन वांटेड टू फाइट फॉर इट। बाद में जब शॉप्स आपकी इतनी खुलना शुरू हो गई एंड यहाँ पे आई मीन काफी शॉप्स हैं, मेरे अकेले एरिया में आपको पता है कोई 6-7 शॉप्स हैं, तो वो भी अब देखें बात सारी वो है कि हमारी जो है ये शॉप्स वगैरह सब कुछ खुल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब जो है आपने अगर नोटिस किया होगा एक चीज, लोगों ने सवाल इसके ऊपर कम करना शुरू कर, इन द सेंस दे नो व्हाट यू डू, फाइनली उनको पता है कि अब क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, अब वो ये पूछते हैं ये सेफ है या नहीं है। मेरे पास कोई इस तरह स्पीक में भी लोग आए हैं जिन्होंने पूछा होगा कि भाई ये सेफ का नुकसान देने के, उनको समझाया, उनको रिसर्च करने पे भी मजबूर किया कि भैया आप चेक तो करो जाके ये चीज़ सेफर है आपका। और जब वीडियो फाइनली जो आई थी वो भी मैंने लिंक काफी लोगों के साथ शेयर किया, मैंने दिखाया देखो मुजम्मिल वाली, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं अभी भी कहता हूँ वो जो है वो आपने सबसे बड़ा स्टेप लिया एंड दैट वॉज अ ह्यूज कॉन्वर्सेशन स्टार्टर फॉर लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री, और उससे मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छे खासे लोगों को इफेक्ट हुआ। आई थिंक यू मैनेज टू हेल्प एटलीस्ट आई थिंक इन लैक्स में तो आराम से लोगों को मदद मिली है उससे। अच्छा यू थिंक इतने लोगों ने करा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसलिए जिस तरह अगर लोगों ने पूरी पूरी वीडियोस भी नहीं देखी है ना, उनको मैंने कुछ कहा कि यार पार्ट्स पार्ट्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो, क्योंकि इसलिए उससे जो है ना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है कि यार अच्छा एक बंदे ने जिस तरह आप कहते हैं ना कि चीज़ फैलती है इट्स वर्ड ऑफ माउथ, आपने एक बंदे को बताया एक बंदा दूसरे को बताएगा, उस तरह 3-4 बढ़ते चले जाते काफ़ी फर्क पड़ता है। अब जैसे पीवी पे जब शुरू में हमारे कॉन्वर्सेशन होती थी, हम लोग किसी का जो हर कोई नया बंदा आता था वो बहुत ड्यूबियस होता, उसको समझ में नहीं आ रहा होता था क्या लेना है, सेफर है नहीं है क्या है। अब तो वो सवाल नहीं होते, अब तो वो होता है कि भाई ट्रेंड है हम भी फॉलो करना है, हमें भी उसका पार्ट बनना। फर्क ये है पहले और अब, पहले अभी भी है लोगों ने सिगरेट छोड़ना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी आर जस्ट हियर फॉर द शो, वो सिगरेट के साथ वेपिंग करते हैं और वेपिंग उनके लिए एक शस्त्र है। I know people as well, जो सिगरेट भी पीते हैं। अगर ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
ये क्राउड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्राउड जो इवेंचुअली उन लोगों के पास तक भी पहुंचेगी जो एक्चुअली जेन्युइनली सिगरेट छोड़ना चाहते हैं. दैट इज व्हाई इट्स नॉट बैड फॉर आवर कॉज. हमारे कॉज के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है. और जहां तक कि वेप शॉप्स की बात रही, आप ये देखें कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स नॉट लुक एट द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट पीरियड 2-3 साल में अगर आप देख लें, एकदम से इतना बड़ा बूम आया है, इतनी सारी जो है, हाँ लिटरली एक्सप्लोजन हुई है. आए दिन आप देखें, अभी भी रिसेंटली इन द लास्ट 2 मंथ्स एटलीस्ट 4-5 शॉप्स इन कराची ओनली मेरे सामने खुले, 4-5 शॉप्स, और ये काफ़ी ज़्यादा है. और अब लोग ऑनलाइन सिर्फ काम नहीं करना चाह रहे, मेजॉरिटी जितने भी नए वेंडर्स आ रहे हैं वो दुकान खोल कर आ रहे हैं. कोई भी अब वो उस तरह नहीं आता कि दे स्टार्ट स्मॉल, दे स्टार्ट फ्रॉम अ ऑनलाइन स्टोर एंड देन दे ओपन अ फिजिकल स्टोर. क्योंकि बात यह है कि आपकी अभी भी मेजॉरिटी जो पीवीसी में नंबर्स है, दे आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वेपर्स इन पाकिस्तान. आई मीन 15,000 मेंबर्स हैं, बट इफ यू आस्क द शॉप वाले लोग, आई मीन आई आस्क द वेंडर्स, एंड वो मुझे यही बोलते हैं कि यार जितने लोग वॉक इन आते हैं शॉप्स में, पीवीसी अगर आज ना भी हमें अगर बंद कर दे वेंडर्स को एडवर्टाइज करने से, कोई भी ऐसी चीज से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी क्लाइंटेल इज ऑफलाइन. जाहिर सी बात है, नॉट एवरीवन वांट्स टू गो ऑनलाइन एंड टॉक अबाउट दिस. काफी लोग बिजी हैं. आई मीन देखो ना यार, आपने भी जाना बंद कर दिया, मैंने भी जाना. खैर मेरा तो ये भी रीजन था कि इस ऐप के साथ और बाकी चीजों के साथ मैं इतना बिजी हो गया था कि आई कुडंट मॉडरेट पीवीसी एनीमोर. तो उस टाइम पे अगर आपको याद होगा, द रीजन बिहाइंड, मैं ये बोलूंगा कि पीवीसी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, बिकॉज अगर पीवीसी नहीं होता तो काफी सारी चीजें, ये जो बूम भी आया है मेरे हिसाब से नहीं आ, क्योंकि इसलिए अगर आप देखें हम पुराने जितने भी वेंडर्स हैं उनकी जितनी दुकानें हैं, उनकी जितनी ब्रांचेस हैं, उनका जितना अब क्राउड है, वो सारा वो फ्यू बंच ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन द कम्युनिटी हेल्प देम टू रीच द पॉइंट जब वो ऐसी ऐसी जगहों पे दुकानें खोल रहे हैं जहाँ पे अभी तक कोई गया नहीं. अब जैसे कि एक दुकान मैंने सुना कि अभी बैरियर टाउन में खुल रही है, एक न्यू कराची में खुली हुई है. अब ये नई नई जगह जहाँ पे आज न्यू कराची में खुल रही, आर ए वी के नाम से खुली है, वो न्यू कराची में खुली है. एक पता है फेज 2 पे भी एक है, या फेज 2 में मैं अपने मैकेनिक के पास गया था, वहां पे भी मैंने एक दुकान देखी, एंड उसका नाम और निशान मैंने पीवीसी में कभी देखा भी नहीं था. और ये इम्पोर्टेंट बिफोर आई फॉरगेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो थी कि हमने जो वो डंडा जो किया था लोगों के ऊपर कि ऑथेंटिक चीजें लाओ, अच्छी चीजें लाओ. हाँ. इस पे तो मैं कहता हूँ कि ये तो एक कलेक्टिव कम्युनिटी एफर्ट था ना, कि दैट इज ऑल दैट वाज द पीवीसी के मेंबर्स ने बेसिकली करा था. जो कंज्यूमर्स वहां पे थे उनका अपना शोर था ये कि यार इफ वी आर वेपिंग देन वी वांट यू टू गेट, वी वांट द वेंडर्स टू गेट ओरिजिनल एंड गुड फ्लेवर्स. इन द सेंस के जब याद है वो कौन सा व्हाट वाज दैट बटर फ्लेवर का डाइसेटल, द डाइसेटल स्केयर जो आया था उस वक्त भी कितने हेल्थ कॉन्शियस थे आपके मेंबर्स. पॉपकॉर्न तो उस वक्त भी इतने हेल्थ कॉन्शियस थे यहाँ के वेपर्स के उन्होंने आवाज उठाई थी, एंड मैं भी उसमें था, आर्टिजन पे मैंने आवाज उठाई थी उस जमाने में कि यार जो भी फ्लेवर आएगा उसके लिए डाइसेटल नहीं होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तान तो यहाँ पे वो भी क्वेश्चन था कि यार आपके हलाल मटीरियल यूज होने चाहिए, तो दैट्स एक वो चीज थी. बट इम्पोर्ट ही खैर अपन हो सकता है यहाँ पे अब तो है, जो जितने भी वेपर्स आपके हैं हु हैव fully moved from smoking to vaping, and उनमें से काफी लोग हैं that have quit vaping also. कि एक truly उन्हें progression follow करी from being a smoker to a vapor to being an ex anything. They don't do anything. Speaking, I am down to my very minimum at this point. और मैं मेरे ख्याल से मैं I think possibly by the end of the year I might leave. क्योंकि इसलिए मैं तो मैंने स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, वेपिंग मिनिमल कर ली है, एंड आई एम ग्लैड कि अदरवाइज कोल्ड टर्की वाज इम्पॉसिबल. कोल्ड टर्की मैंने जब भी कोशिश की है
अगर मैंने लेट सपोज 10 दिन के लिए छोड़ दिया, वो 10 दिन की सिगरेट मैं 1 दिन में पूरी कर रहा होता, क्रेविंग इतनी बुरी होती थी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्रेविंग की हुई थी जब मैं, जब होती है ये बहुत बड़ी होती है, ये आप एक टाइम पे बैठे बैठे एक डब्बा खत्म कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। Yes. और ये जब होता है that is why these alternatives वगैरह are very important. Alternatives के बगैर आप क्या नहीं कर सकते भाई। जब कितनी दफा लोगों ने क्विट करने की कोशिश करी है, कहाँ होता है। I mean, मैं अपना पर्सनल भी बोल दूं कि मैंने बीच में काफी अरसे कुछ महीने सिगरेट छोड़ भी दी थी, बट वो सोशल सर्कल है एंड वो जनरल आपकी एक आदत होती है, वापस शुरू हो गई। एंड आई रिमेम्बर मैं जब गया था वेकेशन पे बॉयज के साथ, तो उस वक्त तो ऐसा हो गया था कि उठू मैं, हम ट्रेन में जा रहे थे, चलो इट वॉज एन इकोनॉमी कंपार्टमेंट था तो वो विंडोज खुली होती हैं, एंड पाकिस्तान में उस वक्त तो ये लॉ आया नहीं था कि पब्लिक एरियाज में आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो मुझे याद है मेरी आदत ये होती थी कि वेकेशन में वैसे भी नॉट इवन ऑन द ट्रेन मैं उठ के सिगरेट पीता, मैं वॉशरूम में एक सिगरेट पीता, वहीं पे दो और जलाता, बाहर निकल के मैं तब भी एक और सिगरेट पीता। एंड एक हो गया था कि यार बस जेब में एक डब्बा होना ज़रूरी है, पर्सनल, किसी और के नहीं। एंड मेरा अपना ब्रांड तो गोल्ड लीफ होता था, तो बस वही मैं पी रहा होता था। एंड जब मैं वापस आया था कराची, और जब मुझे याद है मैं पोर्ट जा रहा था, तो मेरे अबू मैं नीचे जाके कोऑपरेटिव मार्केट में हमारा कोर्ट था कस्टम्स का, तो मैं वहाँ पे अंतर गलियों से निकल के दूसरी गली पे निकल के मैं एक दो सिगरेट, वो ऐसी क्रेविंग होती थी, वही मैं आपसे रिलेट करना चाह रहा हूँ। एक सिगरेट तो आप इतना जोर जोर से इनहेल करके जो आपको रश मिल रहा होता था ना, वो पूरी हो जाए, आपको दूसरी जरूर पीनी होती थी कि यार एक से तो बस वो एक जायका है। आई वॉन्ट दी अदर वन। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ व्हिच आई विल इजीली बी एबल टू रिलेट टू। अगर आपको याद होगा वो सिचुएशंस जहाँ पे आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, या आपकी किसी मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी, आप जरा सोच के देखें आपने उस टाइम पे एक टाइम पे कितनी सिगरेट्स पी ली। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी और 2-3 दफ़ा नोटिस की थी। पता नहीं मैं किसका वेट कर रहा था, मैंने 2-4 मिनट में ही आई थिंक 3 सिगरेट पी गया था। 2-4 मिनट, दो से चार मिनट में ये क्यों वो स्ट्रेस टेंशन ये आ क्यों नहीं रहा हो, आ हो क्यों नहीं रहा। वो एक चीज जो आपको अगर एजिटेट करती है तो यू इवेंचुअली वांट कि यार वो बस किसी तरीके से खत्म हो। वो सिगरेट ठीक था, निकोटीन है। अब वो जब निकोटीन की ऑब्वियसली अब्सॉर्प्शन इतनी स्लो है, आप होता था यार एक पिया दूसरा पिया, और प्लस वो एक आदत, दैट फीलिंग ऑफ यू नो टेकिंग दैट सिगरेट आउट एंड लाइटिंग इट अप एंड एवरीथिंग, दैट वॉज द इनिशियल ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में जब वेपिंग पे आया कि यार ये क्या है यार, ये तो ऐसे ही उठाया और वेप कर लिया, ये मजा नहीं आता, वो वाली नहीं आ रही। तो अच्छा ये था मेरे साथ नहीं था ये क्योंकि इसलिए वो एक होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। जब शुरू के कुछ एटलीस्ट 2-3 हफ्तों जो है ना आपको लगता है कि यार समथिंग इज मिसिंग व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी, बट जब वो एक सेटिस्फैक्शन उसको जो रिप्लेस जो कर रहा होता है ना इज द क्लाउड। मेरे हिसाब से द क्लाउड साइकोलॉजिकली काफ़ी आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू क्विट, क्योंकि इसलिए ऑब्वियसली स्मोकिंग में आप इतना इनहेल करो तब जाके आप इतना सारा स्मोक जो है यू नो बाहर निकालते, बट वेपिंग इट वाज क्वाइट इजी कि आपने जो है एक छोटा सा भी इनहेल लिया बाहर निकाला इतना सारा क्लाउड का। तो दैट रियली फॉर मी क्लाउड के अलावा इट वाज द थ्रोट हिट। Although, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैंने वो जो अपना 12 mg वाला है आई हैव नॉट टच दैट फॉर अ वीक। आई नो आपको सरप्राइज हो रहा होगा सुन के, बट ADV मैंने वाकई में दिस इज द न्यू ADV, बट द थ्रोट हिट वॉज द मेन थिंग टू मी। एंड ऑब्वियसली द वेपर जो निकलता है दैट गिव्स यू दैट साइकोलॉजिकल फीलिंग कि हाँ आई एम स्टिल डूइंग समथिंग एंड आई एम सिटिंग विद फ्रेंड्स हु आर स्मोकिंग। एक एक्टिविटी है जो कि आपका एक डेली रूटीन बन जाता है, और वो जब आपका डेली रूटीन में एक आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर इट इज़ वेरी वो। आप जैसे कि आप रोज़ दांत ब्रश करना तो नहीं भूलते ना, आप रोज़ ही उठ के करते हैं, तो अब आप वो अगर एक दिन छोड़ दें यू फील वियर्ड कि यार ये क्या हो गया,
ये मैंने छोड़ दिया, तो वो बात वही आ जाती है कि अगर आपने एक दिन लाइक सपोज सिगरेट नहीं पी तो आपको वो होता है यार वो मैंने पिया नहीं, वो आई डिड समथिंग बैड, मैंने पीनी चाहिए थी मैंने नहीं पिया। जैसे कि एक दिन एक टाइम पर खाना बंदा छोड़ दे तो बंदे को होता है कि यार नहीं ना अब मुझे ज्यादा पीनी चाहिए ताकि वो कवर अप करूं मैं। एग्जैक्टली बात वही आ जाती है, तो वो भी एक जो है देयर बंच ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एज वेल एज सोशल प्रेशर होता है, जो लोग मजाक में कहते हैं ना सोशल प्रेशर क्या होता है सिगरेट पीने क्यों नहीं होता, व्हेन यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप यू नीड टू यू नो गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्टिविटी डू द सेम एक्टिविटी। अगर कोई देयर आर 10 पीपल हु प्ले क्रिकेट टुगेदर, अब आप ये तो नहीं कर सकते ना उनके साथ, अगर आपने घूमना फिरना है तो आप क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा उनके साथ, आप ये नहीं कह सकते यार मैं नहीं खेलता बट आई विल हैंग आउट विद यू गाइस, अभी तुम्हारा कोई काम ही नहीं है तुम्हारा, वी डोंट एग्जैक्टली गेट अलॉन्ग, तुम्हारा वो एक्टिविटी सेम है नहीं, फाइंड अनदर सर्कल डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बट एक दीज आर अनसेड इम्प्लाइड थिंग्स व्हिच हैपन इन योर लाइफ। तो इसी तरीके से अब आप जब वेप शॉप में जाके आप बस बैठ जाए किसी के साथ एंड यू आर नॉट वेपिंग, तो वो बात वही हो जाती कि यार ये क्या है, मतलब ये बंदा फिर क्यों आया है, अगर तुम नहीं करते हो इससे अच्छा ना करो, अच्छा दूर रहो इससे। एंड दैट इज वॉट वी ट्रूली वॉन्ट कि इफ यू आर नॉट स्मोकिंग और इफ यू आर नॉट वेपिंग डू नॉट गेट योर सेल्फ इन टू वेपिंग और स्मोकिंग, फायदा नहीं है। वो है क्या कहते हैं इसको मोटो तो नहीं मैं बोलूंगा बट हमारा भी एक तरह से यही है गोल है कि हम लोग को ये बोलते हैं कि देखो यार द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज नॉट स्मोक एट ऑल, द सेकंड बेस्ट थिंग इज इफ यू स्मोक जस्ट क्विट इट। हमारा एंड जो हमारा पर्पस है वो यही है कि भाई सिगरेट वेपिंग जो भी है वो सब छोड़नी है, आप आए अल्टरनेटिव से हेल्प लें, this is contraception sort of that is what you can call it, aap ek cheez ko rok rahe ho ki wo aapko bimar na kare ya aapko aapke liye jo hai koi simply bimari na kare na, aapke cancer bronchitis 10 bimariyan hai cigarette usse zyada hi hongi cigarette ki wajah se, to baat wahi hai aapke wo blood vessels ko bhi affect karta hai, aapki puri body ko affect karta hai, aapko psychologically emotionally physically har tarike se affect karta hai, then if you are definitely reliant on something that much phir there must be a safer way to you know go about it, because hamare liye actually cheez to nicotine hai, nicotine hamari addiction hum wo nicotine ki addiction ko jo hai hum counteract karne ke liye koi behtar cheez la rahe hain jo ki hum it's without the vices of smoking, so why not, I mean like aap ye bhi to dekho na ki FDA approved ya aapki jitni nicotine gums nicorette aur ye sab cheeze mil rahi hoti hai wo bhi kya hai, they're giving nicotine but finally ek formula nikal aaya hai in which smokers are comfortable, which works kyunki the patch is not as usme maza nahi aata, I've used the patch I've used the gum, logo ko issue bhi bade aaye the rashes ho ja rahe the 10 cheeze ho rahi thi, maine us pe kafi research ki, acha patches pe logo ko problem hota tha phir gums mein bhi logo ko problem ho raha tha, gum mein wo kehte the ajeeb sa uska taste aata hai, पाउचेस में भी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार वो अच्छा नहीं लगता है पता नहीं क्या रखा हुआ है, और काफ़ी हैं लोगों को इश्यूज आते हैं, बट जो फुल प्रूफ मैं इसे इसलिए बोलूँगा क्योंकि इससे मैंने देखा है लोगों ने शिफ्ट भी हुए हैं और उन्होंने छोड़ी भी है सिगरेट, बट अदर ऑल्टरनेटिव मैं उनके लिए वाउच नहीं कर सकता, मैंने खुद सिगरेट इससे छोड़ी है और आई नो मैं ये भी छोड़ दूँ। और आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया, have you ever forgotten your vape somewhere, matlab ki ghar pe bhul gaye sara din nahi kiya? Yes, I have a few times. I've done that a few times myself, magar main aapko ye bataunga mujhe kabhi bhi us kisam ki agitation nahi hui jis tarah smoking ke sath hoti, ha us kisam ke us level ki nahi ke bhai nahi chahiye hai bas kuch chahiye, wo waise waqt mein nahi hoti ab mujhe bhi nahi hoti, ek do dafa main bhula hua hu एंड मुझे बस ये यानी कि भूला क्या, अभी कुछ दिन पहले मैं निकला हुआ था, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी एंड ये क्योंकि USB वो माइक्रो USB है और USB-C के मेरे पास पड़े हुए केबल्स, तो गाड़ी में मैं चार्ज नहीं कर सका मैंने बोला अच्छा ठीक है जब घर जाएंगे मैं तब कर लूँगा, इतनी कोई वो नहीं है, और अगर सिगरेट पीता तो फिर डेफिनेटली खोखे पे जाता और ज़रूर मैं सिगरेट लेता। आई थिंक वैसे to come back to that point, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो हमारे लिए
अच्छा मैं चश्मे उतार लेता हूँ, इससे ये आता रह रहा बार बार। जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था ना, आपका नहीं आ रहा था, आपका नहीं आ रहा था, चलिए गो ऑन। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की रिपोर्ट थी, यानी वो उसने फाइनली आज तक वो इस्तेमाल करते हैं और आज तक इट इज वैलिड। नहीं तो ने दे दे वो करते रहते हैं इसको रिव्यू, रिव्यू इनका रिव्यू पता नहीं कोविड के वक्त उनका आई थिंक यानी ई वैली के वक्त, अरे ई वैली के बाद उनने एक वापस रिपोर्ट निकाली थी एंड यूके गवर्नमेंट ने भी बोला था कि यार वी हैव नो वरीज कि इससे कुछ होगा, पीपल शुड कंटिन्यू डूइंग इट। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट वर्बेटिम, मगर वो मुझे याद है कि वो रिपोर्ट मैं अभी भी डिसेमिनेट करता हूँ लोगों को। एंड द यूके इज डूइंग ब्रिलियंट वर्क, वहाँ पे कैंसर रिसर्च ने एक है एक्ट ACT, आपको नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये सब चीज़ें मुझे वो मवाद देती हैं कि मैं आगे बोलता हूँ। मैं यहाँ पे भी लोगों को बोलता हूँ कि देखो इट्स नॉट मिर्ज़ा अबीर दैट सेइंग दिस, इट्स मिर्ज़ा अबीर गिविंग यू द मैसेज फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्रीज इंटरनेशनली एक्रेडिटेड बॉडीज एंड जिसके अंदर आपसे बेहतर आई मीन लाइक पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड हु स्पेंड देयर लाइफ रिसर्चिंग, जो उन लोगों ने अपनी ओपिनियन दी हुई है। यू विल लिसन कि कोई जज आपको कोई जजमेंट सुना दे, आप बोलो कि हाँ यार ही नोज, ही जज है, जज ने बोल दिया, आप क्या कर सकते हैं नो। इधर आपको वो लोग बोल रहे हैं यू थिंक यू नो बेटर। इफ यू थिंक आपको डॉक्टर्स को सुनना चाहिए, ये लोग सुनो पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान क्या मैं अभी भी बोलूँगा दुनिया में यही अभी तक है। डॉक्टर्स का एक मेन इशू ये भी है कि लाइक लॉयर्स उनको पढ़ना पड़ता है, हमारी फील्ड ऐसी है कि ईच एंड एवरी डे हमें नई जजमेंट्स पढ़नी पड़ती है। डॉक्टर्स को भी दे हैव टू कीप अप रिसर्च बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज स्टिल अभी भी काफ़ी मिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते, तो रिसर्च निकलती रहती है, वो भी पढ़ा करें। दे शुड अल्टीमेटली लुक एट व्हाट्स बेस्ट फॉर द पेशेंट, और अगर एक पेशेंट आ रहा है आपके पास जिसको आप बोल रहे हैं भाई जान सिगरेट छोड़ो, देयर इज नथिंग बेटर देन नॉट स्मोकिंग, ठीक है डेफिनेटली, मगर बंदा नहीं छोड़ पा रहा। मेरा यही तो रोना है कि भाई आपने बंदे को 2-3 दफ़ा बोला, बंदा नहीं छोड़ रहा और आपके पास आ रहा है, तो वाई आर यू होल्डिंग ऑन टू दैट जिद। आप उसको बोल दो अच्छा एक काम करो, अगर आप नहीं छोड़ सकते ट्राई दिस, अगर उससे उसकी हेल्थ बेहतर हो जाए। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, थोड़ी सी एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था जब मैंने सिगरेट छोड़ी थी तो आई एम एन एस्थमेटिक, अभी मेरा एस्थमा इज ऑलमोस्ट गॉन, बट उस वक्त जब मैंने छोड़ी थी एक टाइम आया था कि आई यूज टू गेट मुझे सांस लेने में मसला हो रहा था, तो जो दुश्वारी हो रही थी मुझे ऐसे यार ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों सांस लेने में इशू हो रहा है। आई आस्क्ड अ डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन, दो डॉक्टरों से मैंने पूछा था, एक ने मुझे बोला कि हाँ यार सिगरेट छोड़ता हूँ तो मुझे भी ये इशू होता है, दूसरे से मैंने पूछा तो ही वॉज लाइक यार ये आपके लंग्स, दिस इज बेसिकली विड्रॉल, योर बॉडी इज हीलिंग, योर लंग्स आर क्लीनिंग देमसेल्व्स आउट। आई डिडंट गेट दैट क्योंकि मैं इतनी सिगरेट नहीं पीता था, लाइक 10 a day, 5 a day, 4 a day, इट वेरी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं मेरे लंग्स एफेक्ट क्लियर अप होना शुरू हो गया। एक दो दिन मुझे ऐसा हुआ था कि आई कुड फाइनली स्टार्ट टेकिंग डीपर ब्रेथ्स और मेरा सर घूम जाता, कि वो एकदम हेड रश आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, माई बॉडी वॉज फाइनली गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें आई रिमेम्बर शुरू में भी जो आपके यहाँ पे वेपर्स आए थे वो ये कंप्लेन करते थे कि यार हमें हमारा सांस और ख़राब हो रहा है या हमें ये चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज हर बंदा को इट्स नॉट जस्ट द निकोटीन, यू हैव टू कीप इन माइंड सिगरेट्स के अंदर 4,000 to 7,000 केमिकल्स हैं डिपेंडिंग ऑन विच स्टडी यू लुक एट, बट द फैक्ट इज कि केमिकल्स इज दिस मोर देन जस्ट निकोटीन, इतने हज़ारों केमिकल्स है, कोई ना कोई एक चीज़ बंदे को लगती है, तो वो चीज़ भी कीप इन माइंड करनी चाहिए लोगों के, इफ़ यू गिव अप स्मोकिंग थ्रू वेपिंग तो यू हैव टू कीप इन माइंड के विड्रॉल कुछ लेवल का होगा, मे बी कुछ भी ना हो, बट दिस इज सेफर, दिस इज बेटर। इफ़ यू डोंट वांट टू से सेफर तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि इट इज़ बेटर, it is better than smoking, there is no doubt it's better than smoking, it's kind of like saying ke getting the COVID vaccine is better than just saying ki I'll take precautions only. Lekin koi bhi cheez ke liye agar koi bimari hoti hai to aap dawai khate hai na, intervention ek dekho ha
जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं वो आपको रोकने के लिए उसके लिए कोई तो, वो भी तो टेक्निकली वी कैन कॉल इट अ बीमारी, कह सकते हैं बीमारी है, हमें कॉन्स्टेंटली वो एक चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरवेंशन आप जब तक के नहीं लाएंगे, विच इज आइदर आप कम्प्लीटली उस एक्टिविटी को रोको, विच इज द प्रॉब्लम, नहीं होती जब तक कि आप ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल ना करें। ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, तब जाके आपकी सिगरेट छूट रही है और तभी जो है आप फिर इवेंचुअली जिस चीज़ से आप इंटरवेंशन ला रहे थे वो भी खत्म हो। मुझे ये बताओ पाकिस्तान में मेन इशू आपको क्या लगता है वेपिंग का जनरली, के यार यहाँ पे क्या इश्यूज हैं जो हमें टैकल करने हैं? इमेज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई इससे तो कुछ नहीं होता, ये सब फालतू चीजें, इस पे आधा घंटा बोल सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है तो क्या कहते हैं भाई, देखें बड़े सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहला जो था वो था इमेज कि भाई यार ये तो शशकी है, तुम लोग मुंह से बस धुआं निकालना चाहते हो और फ्लेवर के लिए कर रहे हो, और ये तो शीशा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक शीशा बोलो, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं। वो बड़ी काफ़ी मैं कल से जब से आया था और 2018 तक भी यही प्रॉब्लम थी कि लोगों को बार बार बोलना पड़ रहा था कि भाई ये क्या चीज़ों को समझाना पड़ रहा था कि इसका फ़ायदा क्या है और ये किस तरह एक सिगरेट नुमा चीज़ है के शीशे की जगह ये सिगरेट नुमा चीज, ये प्रॉब्लम बोलते हैं अभी भी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व है। मैं ये किस वजह से कहता हूँ, लोग अब इतना नहीं बोलते जितना पहले बोलते। एजुकेटेड बंदा एट द लीस्ट उसको मालूम है, यहाँ तक कि मैं अगर कभी आप अगर जो है करीम ये सब कुछ कोई भी जो है प्राइवेट टैक्सी सर्विस खुद भी ले लें, उसमें भी उन लोगों को अब मालूम है कि क्या चीज है, अब दे डोंट कॉल इट अ शीशा एनी, मगर अभी भी मेरे हिसाब से वी स्टिल नीड दैट लीवे के हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि भाई ये है क्या, कोई सॉर्ट ऑफ मैसेज लोगों तक पहुँचाए हम, जो कि हम कर रहे हैं, आई एम ग्लैड हम लोग वो कर रहे हैं फाइनली, मगर उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम इसलिए लगेगा हमारी आवाम बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ वो हम लोग ने तो शुरू किया है, और लोगों को भी साथ देना पड़ेगा और लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि मैसेज दूर तक पहुँचे। ये एक प्रॉब्लम है, ये तो अवेयरनेस बेसिकली नंबर वन प्रॉब्लम का आप कह रहे हैं अवेयरनेस है, जो कि आई एग्री यहाँ पे। अगर अभी भी जब ये साहब ने कैंपेन चलाया था, हमारा कैंपेन चल रहा है इट्स मॉडल्ड ऑफ स्टॉपटोबर इन द यूके, हमने इसको स्टॉपटोबर बोला, और जब हम ये कैंपेन चला रहे थे तो उसमें ये इशूज आ रहे थे कि पीपल वर लाइक यार बस एक नई किस्म की आ गई है विदाउट एनी नॉलेज, बस ऐसे ही अपने टू सेंट्स को डाल रहे हैं not knowing कि यार स्मोकर्स को कितना मसला हो रहा है and everything, even though a lot of people have said, मुझे मुजम्मिल की वीडियो के बाद भी लोगों ने बोला था, मुझे मुजम्मिल ने खुद भी बोला था कि यार काफ़ी लोगों ने बोला है वी स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज ऑफ दैट व्हाट कुड यू कॉल इट, मैंने क्या करा था वो क्या क्या चीज़ होती है वो। देखें एक चीज़ होती है बंदे का बात करने का तरीका, आप अपना मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं, उस वीडियो में वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, आपने जिस तरह इंफॉर्मेशन कन्वे की, मगर मैं ये कह रहा था व्हाट वाज दैट थिंग, उसको क्या बोलते हैं, पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे, वाज अ पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट ही थी वो, पॉडकास्ट इजंट पॉडकास्ट जस्ट ऑडियो नहीं होती, नहीं नहीं तो इट इज ओनली ऑडियो एज वेल, वो यूट्यूब पे अपलोड करता है बट वो गूगल पॉडकास्ट ये सारी हर जगह भी करता है, पॉडकास्ट वो जो पॉडकास्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, मैंने आई वॉज सरप्राइज कि कितने लोगों ने पूरा बैठ के सुना, और सबसे बड़ी बात वो सिर्फ मुजम्मिल की वजह से नहीं सुना गया, द वे यू एक्सप्लेन्ड इट, जिस तरह आपने द वे यू हेल्प पीपल रिलेट टू देयर सिचुएशन, यार वो मैं जाता था छुप के जाता था या ये करता था या वो करता था, दोज थिंग्स दैट ह्यूमनाइज इज समथिंग, ह्यूमनाइज करना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको एक प्रॉब्लम को उस तरीके से आप पोर्ट्रे करें कि यार ये तो बस प्रॉब्लम है, और आप उसको जो है उसको ट्रीट भी ऐसे करें, नहीं सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है और ये है और ये फलाएँ हैं और बुरा है और हम लोग जो है ये गलत तरीके से इसके चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, आप शोर तो मचा सकते हो, आप जितना शोर मचाना चाहें मचा सकते हैं कि नहीं यार सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है और ये है, और लोगों को अग्रेसिवली एक चीज़ को बोले हटो, आप किसी भी आपको मैं बड़ा सिंपल से एग्जांपल दूंगा, बच्चे को अगर आप डांट के एक चीज बोलें कि नहीं यार ये नहीं करो, वो आगे से रिएक्शन देगा, नेगेटिव रिएक्शन देगा,
ठीक है, मगर आप अगर वही चीज उसको समझा के बोलें कि नहीं यार ये नहीं करो, ये इसकी वजह ये है, और ये चीज जो है ना हमारी आवाम भी एक आप समझ लें बच्चा ही है, और जिस तरह की हमारी आवाम है उनको आपने अगर सर यू नो आराम से बैठ के समझाए ना तो ये समझते हैं। अग्रेसिव इस आवाम के साथ नहीं हो सकता। मैंने जाके अभी चेक करा है, अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैंने जरा खोल के देखा, आई वाज लाइक यार आई एम क्यूरियस कितने व्यूज आए उस वीडियो को। इफ इफ एनीवन इज क्यूरियस जो भी देख रहा है ये, आई व्हाट आई डिड इज मैं बस जाके मैंने लिखा मुजम्मिल MUZAMMIL ऑल्दो उसका नाम इज जस्ट विद वन एम सो इट्स लाइक MUZAMIL ASAP तो उसका जो इट्स द 65th पॉडकास्ट Thought Behind Things इसका चैनल है, is vaping safer than smoking cigarettes? Feet Mirza Abir. तो उसके it's been 8 months since I did that. 22,000 views हैं. It's an hour long, and I have and a very it is one of the most viewed. In. It is the most one of the most viewed videos from his podcast की list. One of the most viewed. Really? नहीं यार. काफी जल्दी. काफी जल्दी लोगों ने उसको मतलब कि एक होता है ना स्लो स्लोली स्टडली लोग देखते हैं, इसको काफी जल्दी पिकअप किया था लोगों ने। 22,000 व्यूज इज अ लॉट, काफी ज्यादा। मैं तो अभी भी कहता हूँ हमें इस तरह की और चीजें जरूरत हैं, इससे जितना इम्पैक्ट पड़ता है और किसी चीज से नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। आप पोस्टर्स लगा लें, आप कुछ भी कर लें, आप पोस्ट डाल लें, मगर जितना वो एक ASAP को एक अगर फेस चाहिए, यू आर द फेस, ठीक है, अगर आप वो फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, और आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। खैर असल में इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना देर आर मोर प्रेसिंग इशूज, गवर्नमेंट के लिए तो है ही है लोगों के लिए भी है। आप ये देखो ना कि यार जब से आप आई डिसएग्री, आप कह रहे ठीक है देर आर प्रेसिंग इशूज, देर मोर प्रेसिंग इशूज, देखिए फॉर अ स्मोकर प्रेसिंग इशू इज कि भाई मैं अपनी सिगरेट कैसे छोड़ूं, उसके लिए और कोई प्रेसिंग इशू नहीं होगा, समझ रहे हैं। टू ईच देयर ओन, सबका अपना अपना इशू है। आप ये देखो ना यार, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आई मीन पहले चलो फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देखता हूँ, अगर गवर्नमेंट को हम देखेंगे, मैं जाके बात करूँ रेगुलेटर से किसी से, तो रेगुलेटर के मान भी जाए तो हाँ ठीक है, वो गवर्नमेंट को जाके बोले तो हमारी गवर्नमेंट सुनेगी नहीं जब तक उसके लिए कोई एक इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके लिए सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू क्या है, कोविड भी आपका बैक सीट ले गया है, कोविड आपका था बट पाकिस्तान के अभी आई रिमेम्बर 3-4 दिन पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था कि पाकिस्तान रैंक द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू नॉर्मलसी पोस्ट कोविड, जो कि हम देख सकते हैं एवरीवन ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड। मैंने अभी कुछ रीसेंट टाइम में ट्रैवल वगैरह भी किया इधर उधर, मतलब के जो है मॉल्स वगैरह में, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जैसे डॉल्फिन में मैं उस दिन गया, 15 साल के लड़के को रोका गया, उसको बोला तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा तक भी वैक्सीनेशन लगेगी, तुम जाओ वैक्सीन लगवा करो। तो आई रियली लाइक द फैक्ट कि वो पूरा नॉट ओनली गवर्नमेंट बट जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी इसको पुश कर रही हैं कि भाई आप वैक्सीनेट करो अपने आप को, एंड वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। मैं अपना सेकेंड डोज मुझे उस दिन गया लगाने, मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे, मैं गया हूँ, मैं लगवा कर आ गया, और वो रात के आई थिंक शाम के 6 बज रहे थे, आई डेंट हैव टू वेट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ 2 आवर्स। नॉर्मलेसी काफ़ी हद तक आ गई है, मगर आपकी बात सही है, इकोनॉमिक जो अभी क्राइसिस चल रहा है, मगर उसमें भी अगर आप देखें, हाँ गवर्नमेंट के मैं आपको बोलूँगा बात आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट करना ये चीज़ फॉर देम इट्स नॉट द एट द टॉप ऑफ द लिस्ट अनलेस उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो पोस, जो कि उनके लिए इनफैक्ट एक टेक्निकली नुकसान होगा अगर हम उनको बोलेंगे नहीं आप यू नो आप जाओ बिग टोबैको के अगेंस्ट जाओ और उनको रोको और ये करो, क्योंकि इसलिए टैक्सेस तो आ रहे हैं, ये दुनिया भर में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, और फाइट हमारी नहीं, मतलब देखो हम कर, देखो गवर्नमेंट, मगर ये तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट कर रही है, आपके यहाँ पे सिगरेट्स के ऊपर जो वो लगती है व्हाट्स दैट डिसगस्टिंग पिक्चर जो लगती है वार्निंग लेबल वो बड़ी हो गई है, आपके सिगरेट्स के रेट्स उन्होंने महंगे कर दिए हैं, दे आर टेकिंग स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी साइन करी है। डू यू थिंक इट्स एनफ?
It's not enough. आप ये मुझे देखो ना, just picture yourself. अभी भी cigarette is not that expensive. You know that, right? आपको पता है ना, अभी भी cigarette इतना expensive नहीं है. Cigarette अभी भी affordable है. Problem सबसे बड़ी ये है कि affordable. यही तो मैं कह रहा हूँ ना. देखो, let me finish this tangent जिस तरह से चला रहा हूँ. अब आपको COVID है. And अच्छा, this I'm speaking as the head of a house. Looking after 10 people, having kids of my own, being married, etc. And business भी मेरा है. COVID आया, COVID के ऐसे business इतना suffer करा. अब उधर से जो stress है, उसको आपने किस तरीके से relieve करना है. And that stress while you're working and everything, मैं तो wait करता हूँ. तो मेरे लिए issue इतना नहीं है. Alhamdulillah, I can afford to buy this. But just look at COVID जब आया था. I remember Amin ने याद है बोला था, जो यहाँ पे आपके एक जमाने में जो आपके चैनल्स इतने पैसे कमाते थे, ARY समा, उन लोगों ने अपने पूरे पूरे ड्रामा डिपार्टमेंट ये सब चीजें कट कर दी थी. कुछ बन ही नहीं सकते थे. हाउ कुड यू शूट समथिंग लाइक सिनेमाज अब जाके खुले, अब जाके 2 साल बाद जाके, 2 इयर्स बाद, हां अब जाके खुले वाकई में. और तो, उसमें भी काफी रिस्ट्रिक्शंस है. उसमें भी आप जब जाओगे, वो वैक्सीन कार्ड दिखाओ, वो एक एक चीज, साफ सफाई, इन सारी चीजों का बड़ा कर रहे हैं. तो इससे भी बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए एडिशनल कॉस्ट आ गई. आपको मास्क रखने हैं, आपने ग्लव्स रखने हैं, आपने सैनिटाइजर रखना है, आपने सैनिटाइज ज्यादा करना है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट्स और किस्म के जरूरत होंगे. तो एक कॉस्ट ऐड हो गई. इट्स अब एक नॉर्मल चीज बन गई है कि यू गो एनीवेयर, वहां पे सैनिटाइजर पड़ा होगा. पहले तो फिर भी एक बंदा अगर थोड़ा सा क्लीनलीनेस का होता अपने साथ लेके जाता, बट अभी किसी भी शॉप पे जाओ, इवन वेब शॉप से पड़ा होता है सैनिटाइजर, व्हिच इज छोटे पठान के ढाबे पे मैंने देखे सैनिटाइजर. ना करो, मैंने पठान के ढाबों पे सैनिटाइजर देखा. मैंने कहा यार रियली? तो दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. ऑल्दो वो ठीक है, मैं ये इतना बोलूंगा, वो खुद मास्क वास्क नहीं पहन रहा होगा, मगर वो उसने उसका ख्याल रखा हुआ है. उसको कुछ तो करना है, कुछ तो कर रहे हैं वो भी. वन मोर टाइम आपने मुझे कट मी ऑफ. मैं चीज बता रहा था, मैं तो बता रही थी मुझे. मैं ये मेरा कहने का ये मतलब था कि जहां आपकी इतनी महंगाई आती जाए, इतनी टेंशन हो, आप देखो ना, पेट्रोल इज मोर, ठीक है, इट्स द चीपेस्ट इन द रीजन, बट कंपेयर के पाकिस्तान के GDP इतना नहीं है, पर कैपिटल इनकम भी इतना नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम भी इतना नहीं है. तो यहाँ पे अब लोगों को, एंड स्पेशली जब कोविड आ गया था, ठीक है, कोविड से आई बिलीव स्मोकिंग के रेट्स कुछ हद तक कम हुए हुए होंगे, क्योंकि लोग डर बहुत गए थे. बट दैट वॉज इन मार्च ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर था, वॉज इट लास्ट ईयर कोविड लास्ट ईयर आया था? नहीं नहीं, कोविड लास्ट से लास्ट ईयर 2019 के एंड में शुरू हुआ था, हमारे पास मार्च 2020 में आ गया. हाँ, तो मार्च में जो डर था उस वक्त जब ढाबे बंद हो गए थे, इवन तो उसके बाद मैं एक ढाबे पे गया था, एंड बेसिकली वाज नियर द शर्मा वाला, तो मैंने देखा उसे छुप के खुला हुआ है. मैंने कहा ये क्या सीन है. नॉट द एक्चुअली शॉर्ट, मैं मुझे याद था कि मैं दवाई लेने गया था, बिकॉज फार्मेसी खुली हुई, तो उसने बोला था मैं It was near the Sharma wala, but मुझे याद है कि वो actually मैं medicine bank गया था, तो वहाँ पे उसने tent type कपड़े के पीछे छुपा हुआ था. मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता यार मैं, हम लोग तो बंद हुए, हम लोग तो ऐसे ही कर रहे थे, पुलिस वालों को पैसे दे के. People needed that. अब बात ये, cigarettes आपकी they're cheap. I don't know honestly कि अब एक सिगरेट के डब्बे का क्या रेट है, ना मुझे ये पता है कि एक सिगरेट कितने की आती है, because it's been 8 years since I last smoked. And I was never curious कि कितने का आता है. Do you know? देखिए, जब तक के एक डब्बा जो सादा, अगर let's suppose आप उसको बोल लें K2 हो गया, या कोई भी सस्ता ब्रांड जो कि आम बंदा जो इस्तेमाल करता है, जब तक के वो 1000-1500 रुपए का आपको एक डब्बा नहीं मिलना शुरू हो जाए ना, तब तक के आपको कोई फायदा नहीं, तब तक मगर, इस चीज को नहीं आप फाइट कर सकते. अभी भी वो इस पे मैं फिर भी ये कहूंगा कि एक इशू ये है कि अगर आपने सिगरेट 1000 कर दिया, लोग तो रोड पे निकल आएंगे. एंड यू आल्सो फॉरगेट कि हमारी KPKA में टोबैको की बहुत बड़ी एक क्या बोलेंगे उसको, फार्मर्स एसोसिएशन, टोबैको जो बेसिकली आपकी वो करते हैं क्रॉप, टोबैको क्रॉप जिनका है यहाँ पे KPKA में तो ग्रो होता है. आप अभी गए थे, यू वेंट टू स्वात या नारान, रिमेंबर? स्वात गए थे, किधर गए थे? तो रास्ते में आपको दिखे नहीं थे तंबाकू के बाबा, वो टांगे पे होते हैं,
जब भी आपकी ऐसी कोई बात हो रही होती है ना, तो केपीके का एक मिनिस्टर उस एरिया का जो होता है ना, वो ऑलवेज लड़ता है इस चीज पे कि भाई रेट इतने महंगे नहीं होने चाहिए, या फला ही नीड्स टू टैक्स हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और दूसरी इशू ये आता है कि आपने चलो मॉर्गन कर ली, आई कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद दैट, डेफिनेटली इट्स फॉर द ग्रेटर गुड कि आपने सिगरेट महंगी कर दी है, बट वेयर इज द ऑल्टरनेटिव? क्योंकि देखो अगर आपने सिगरेट महंगी करी फिर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन जब सिगरेट सस्ती होगी महंगी हो जाएगी, पीपल वुड शिफ्ट टू वेपिंग, स्मगल्ड सिगरेट्स पिएंगे। मगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर चले ठीक है आप सस्ती सिगरेट सस्ते ब्रांड हम हटा दें अभी फिलहाल शुरू के लिए, इनिशियली लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस स्मॉल ब्रांड, हम कहते हैं आवाम हमारी 250-300 रुपये 400-500 रुपये का डब्बा खरीद लेती है अभी भी जो इम्पोर्टेड सिगरेट्स लेते हैं, इतने का आता है अभी, अगर वो आराम से आपको 600-800 इस तरह तक का भी मिलता है, ठीक है 500 तो नॉर्मल प्राइस है, ठीक है अगर वही प्राइस को 2,000-2,500 रुपये का कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि वो वाली आवाम विल बी क्विकर टू मूव टू वेपिंग? डेफिनेटली ये बेंसन और ये सब कर दे, वहां पे स्टार्ट करना चाहिए, वहां पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप इवेंचुअली यू कैन मूव ऑन टू यू नो द चीपर ब्रांड्स आहिस्ते आहिस्ते, कि भाई ये वाला ब्रांड पहले पकड़ा फिर दूसरा पकड़ा, कम करते करते इस तरह स्लोली। देखें अगर कोई भी चीज़ आप फॉरेन होल्ड पे, जिस तरह आप सिगरेट फॉरेन नहीं छोड़ सकते उसी तरह आप कोई भी एक इमीडिएट चेंज लाते हैं किसी चीज़ में, तो फॉर अ पर्सन अ चेंज इज़ नॉट गुड, एनी टाइप ऑफ चेंज गुड और बैड इज़ नॉट एग्जैक्टली गुड फॉर एवरीवन। वो गुड करते मैं बोलूंगा बट इज नॉट वो गुड फॉर अस, नहीं नहीं मैं वो एनी चेंज जो तो आप बोल रहे हो सही, मगर कोई भी अगर चेंज होता है सडन होता है ना, वो इतनी जल्दी रेडली एक्सेप्टेबल नहीं होता, पीपल नीड टाइम। जैसे यू रिमेंबर जब करोला आती थी 12 लाख की, अब इट टुक टाइम फॉर पीपल टू गेट दैट फिगर इन देयर हेड के यार 40 लाख की मिलेगी, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप चेंज लेके आओगे ना इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इट विल टेक टाइम के एक वो न्यू द न्यू नॉर्मल, जैसे कोविड पे हुआ द न्यू नॉर्मल, वो बनने में टाइम लगेगा। बट मैं मेरे फिर भी ये है कि यार द पीपल यू आर टारगेटिंग बाय सेइंग कि यार ये वाली ब्रांड्स महंगे कर देते, देर तक क्या कितने यार 2%, 5%, 10% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन होंगे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रियली एजुकेटेड पीपल, उनमें से जो जो कि इतने अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए कोई इशू नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेन जो मुझे सबसे ज़्यादा मेन फाइट है वो ये है कि यार दे एक ऐसी ऑल्टरनेटिव जो कि आम बंदा भी पिए, एंड वो गवर्नमेंट के उसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जितना भी शोर मचाऊं मेरी रीच गवर्नमेंट जितनी होगी नहीं, एंड एक गवर्नमेंट कोई चीज ऑब्वियसली जब तक कि गवर्नमेंट को भी हम देखें, जैसे गवर्नमेंट को एक और वजह से भी हमें लाना ज़रूरी है इसके अंदर, रेगुलेशन हमें लानी इसलिए भी ज़रूरी है। अब देखें जैसे कि लिक्विड लिपिड्स के रेट्स हमने बढ़ा दिए, प्राइसिंग की रेगुलेशन तो कोई भी नहीं आ सकती, बिकॉज वही बात आ जाता है ना कि इट्स यू विल बी दे कांट बी प्राइसिंग की चीज़ें, आई मीन यू नो यू आर अ लॉयर एज वेल, तो आपको भी पता है कि वो इशू आ जाता है उसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग कॉम्पिटिशन एक्ट आता है, बट बेसिकली यू आर कर्टेलिंग द फ्रीडम, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाएगा उसके अंदर कि यू नो नॉट लेटिंग पीपल डू बिजनेस। आप probably high cap लगा सकते हैं, but even I don't think that's main जो आता है ना इसके। मेरा मतलब ये है कि अब pricing बढ़ा दी, अगर government support हो तो pricing हम लोग इतनी बढ़ेगी नहीं, अब वो उसको हम control में ला सकते हैं, उसको subsidize उसमें ला सकते हैं कि भाई let's push this। अगर वो regulation आ जाती है और government भी मान जाती है कि भाई नहीं ये वाकई में ये cigarette का जो है solution यही है, और गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, पेप शॉप्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा कस्टमर्स बढ़ेंगे तो फिर अवेयरनेस बढ़ेगी, ओवरऑल जो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो, वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट फाइनली अग्रीज। अ गवर्नमेंट तो हमें एज अ डिलिंक्वेंट देख रही है ना कि यार ये तो नई चीज़ उठा के नया शशका उठा के ले आए हैं, और ये जो है अच्छा ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको और महंगा,
उनके लिए तो वो ये देख रहे हैं ना कि भाई हमारी जेब में हमें क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है, बेशक आवाम को जो है महंगा पड़ रहा है, मगर उनको ये तो नहीं पता ना कि भाई चीज एग्जैक्टली है क्या। उनको उतना तो हमने एजुकेट अभी एजुकेट नहीं हुई भी ना कि वो हेल्प करें इंस्टेड ऑफ यू नो फाइट इट। नाउ राइट नाउ वो भी फाइट मोड में, देयर फाइटिंग अगेंस्ट एंड दैट इज व्हाई देयर इंक्रीजिंग द प्राइसेस। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट फर्स्ट एंड देन कम टू द पब्लिक के यार एक दफा वो कॉन्फिडेंस में आ गई तो फिर क्या पता वी आर एबल टू थ्रू आउट वीडियोस, क्या पता वी आर एबल टू थ्रू आउट इंफॉर्मेशन, मतलब कि वो एडवर्टाइज कर सके। एडवर्टाइज तो मानने की बात है, एडवर्टाइजमेंट तो यू कांट, आई डोंट इवन नो कि आगे जाके होगी, क्योंकि मसला पाकिस्तान का ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी यहां पे इसने हो सकती है एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको वजह बताता हूं, मेडिसिन के एड्स देखें आप, ठीक है ना, पैनाडोल का एड हो गया, किसी चीज का एड हो गया। अगर गवर्नमेंट, ये दिस इज लाइक काफी दूर की सोच रखने वाली बात है, ये जिस तरह यूके की गवर्नमेंट है उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि नहीं यार ये चीज वाकई में दिस कैन हेल्प, तो जिस तरह वो लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं जगह जगह कि यार सिगरेट इज 95% जो है ना, सो ई सिगरेट्स आर 95% सेफर देन स्मोकिंग, व्हाई नॉट, वो फिर हम इवेंचुअली हम लोग भी एडवर्टाइज कर पाएंगे और हमें तो फिर अपनी जेब से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। That is exactly वो गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी, क्या पता वो हमें एक खुद ही अलॉट कर दे कि यार ये आप लोग देखें आपने किस तरह करना है, इसको किस तरह पुश करना है। डॉक्टर्स का पैनल है, डॉक्टर्स का पैनल बनता है, हमारे लिए फायदा है वो इन द लॉन्ग टर्म एज कंज्यूमर्स, नॉट जस्ट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग यूजर्स ऑफ वेपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, द पोटेंशियल कस्टमर्स, उनके लिए फायदा। जितनी चीज ईजियर एक्सेस होगा उसके लिए उतनी जल्दी वो स्प्रेड होगी। अभी इजी एक्सेस ऑल्दो सॉर्ट ऑफ है, बट इजी एक्सेस तब तक नहीं होता जब तक कि आम बंदा, किसान लेट सपोज, जाके जो है अपने कोके से जिस तरह सिगरेट खरीदता है उसी तरह ई सिगरेट खरीदता है, और वो भी अच्छे दामों में, उस दामों में जितने में वो अफोर्ड कर सकता है, अपना जो एक डब्बा वो मार्वन या जो केटू या जो भी है वो लेने जा रहा है उतने का ही है, उससे कम में वो सर वो ई सिगरेट खरीद सकता है और तो उतना ही चले जितना वो चलता जितना वो सिगरेट चलाता है उसके लिए हेल्प। बहुत तो मगर एक बहुत ही आई थिंक वो बहुत ही डाउन द लाइन ये चीज होगी। मुझे तो अभी सबसे बड़ा जो इशू यही लगता है कि इंश्योरिंग की गवर्नमेंट इसको बैन ना कर दे। आई मीन आप ये देखो ना हमारे नेबर्स इंडिया है, तो आप इस तरह ये बताए ना उसको रोकेंगे कैसे, बैन करने के लिए रोकने के लिए ही ये लॉन्ग टर्म चीज तो वो बात हो गई, मगर जो मैं शॉर्ट टर्म चीज जो अभी इमीडिएट एक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से हम कंफर्म कन्विंस करें कि भाई ये जो इंडिया ने किए, जो हमारे जो नेबरिंग नेबर कंट्रीज ने किया है या जो एशिया में हो रहे हैं, अगर आप जाके यूके को देखो, हम यूके की बड़ा यूके को बड़ा देखते हैं काफी सारी चीजों में देखते हैं भाई, यहाँ तक कि हमारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो भाई देखो ना उधर भी तो यही हो रहा है। अगर वो इधर उधर एक चीज इस तरह हो रही है उसकी वजह क्या है, आप उसमें भी थोड़ा देखें। शॉर्ट टर्म में हम उनको करते हैं, आप ये देखो ना कि न्यूजीलैंड ने भी अपना बैन ओवरटर्न कर लिया, यूएई ने व्हाटएवर रीजन उन्होंने भी वो बैन ओवरटर्न कर लिया, एंड अभी ये भी एक प्लस पॉइंट ये भी आ गया कि अब आपका यूएस में भी जो फ्लेवर्स मिल रहे हैं जो आपकी वेपिंग हो रही है वो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एफडीए अप्रूवल नहीं ले रहे। आपको पता है वो अब नई निकोटीन आ गई है, ये कौन सी चीज़ है, नॉन टोबैको निकोटीन आ गई है और फ्लेवर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, अभी हमारी मार्केट में ना करो, नॉन टोबैको निकोटीन, सिंथेटिक निकोटीन आ गई है, मेड फ्रॉम व्हाट, सिंथेटिक निकोटीन, रियली, हां सिंथेटिक निकोटीन बना दिए, दे रिमूव, दे नॉट यूजिंग टोबैको एनीमोर, ये लेटेस्ट चीज है, दिस इज द लेटेस्ट थिंग, कौन सा फ्लेवर है, कौन सी चीज है मुझे जरा बताना है, BLV के हीलाइट लेकर आया है, काफ़ी बड़ी रेंज लेकर आया है, और ये आहिस्ते आहिस्ते आप बाकी फ्लेवर्स में भी देखेंगे, ये बेसिकली दिस इज द वे फॉर द यू नो मैन्युफैक्चरर्स टू फाइनली बी एबल टू सेल, क्योंकि इस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, टोबैको बेस्ड निकोटीन पे भी काफ़ी शोर मचा था US में, तब इसी वजह से वो नॉन टोबैको निकोटीन पे आ रहे हैं, एंटी हंस। ओह ये यार दिस इज सेप्टेम्बर में ही होता है, आई जस्ट बाय द वे आपने ये मुझे बोला तो मैंने ये सर्च करा, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कस्टम्स है
डालता ही टोबैको के अंदर है, कहता है यार आप ये निकोटीन जो है ना आपकी ये टोबैको से आती है। हम इधर भी ये बात मुद्दा उठा सकते कि भाई चलो ठीक है आप टोबैको निकोटीन पे आप जो कैप लगा रहे हो वो सही है, मगर अगर हम नॉन टोबैको निकोटीन कुछ लेकर आते हैं फिर तो टेक्निकली टोबैको प्रोडक्ट तो रहा ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट तो फिलहाल उसको इस तरह ट्रीट कर रही है ना, निकोटीन इज इक्वल टू टोबैको, वो लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ वो बेसिकली इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यार इट इज डिराइव फ्रॉम टोबैको। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे पता चली है, जो मैंने अभी किसी को भेजा भी है। तो ये कस्टम्स में आप लोग आपका तो जो काम है वो तो आप इनको ये रिसर्च करके और ये आर्ग्यू एक्चुअली लेके जा सकते हैं, अपने बेस बना सकते हैं कि भाई यार ये देखो तुम लोग जो बेच रहे हो अगर वो नॉन टोबैको निकोटीन बेच इस पर तो वो टैक्सेशन होनी नहीं चाहिए जो गवर्नमेंट लगा है, सेपरेट कोड बनना चाहिए। बट उसके लिए देखो ना एक सबसे बड़ा मेरे जो इशू था ASAP बनने से पहले, मैंने सब आपके यहाँ जो कमर्शियल बेसिकली जो वेंडर्स हैं उनको इकट्ठा करा था, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, अभी भी है ABVA आई थिंक नाम है उसका, एंड उस पर मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि एक एसोसिएशन बना लें ताकि दे फाइट फॉर आवर राइट्स। जब उनने नहीं करा तो फिर एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मैंने फाउंड करी कि यार चलो ठीक है, इफ द वेंडर्स डोंट वांट फाइट, उनके हालांकि कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, वेंडर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, दे डोंट वांट टू प्रोटेक्ट। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था यार अगर कल को गवर्नमेंट बैन कर देती है ना तो हम दुकान बंद कर देंगे, और मुझे बड़ी एक चीज़ का अफसोस हुआ था। मैंने कहा यार देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सबसे बड़ा बाहर वेब शॉप्स में और यहाँ पे ये है, बाहर जो हैं ज़्यादातर जिन्होंने वेब शॉप्स खोली हैं दोज़ आर एडवोकेट्स, दे फाइट फॉर द राइट टू वेपिंग, उनके लिए दे प्रोटेक्ट वेपिंग, फॉर देम इट्स इम्पॉर्टेंट। हमारे बिजनेसमैन खोल के बैठे इन लोगों के लिए जो एंड रिजल्ट है दैट शुड बी मनी। अब अगर मोटिवेशन ही गलत है आपकी, गलत तो नहीं है फॉर देम बिजनेस है, बट आपकी अगर मोटिवेशन आपके कंज्यूमर के लिए नहीं है, आपके लिए कंसर्न आपके लिए कंज्यूमर आपके लिए कंसर्न नहीं है, देन इट गोज टू शो कि भाई आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बाहर हो रही है। बाहर तो जो जो आपने वेबशॉप जो बंदा खोल रहा है वो एडवोकेट भी है साथ साथ में, वो बहुत लड़ता भी है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सबसे बड़ा फर्क यही आ जाता है, आप यू शुडंट बी सरप्राइज्ड कि कल को जो है अगर कुछ होता है तो ये दुकान बंद करके भाग देंगे, क्योंकि इसमें इन लोगों को परवाह ही नहीं, कंज्यूमर की परवाह नहीं, वो अपना स्टॉक खाली करेंगे। हैव यू सीन यू डोंट नो निकोटीन? नहीं अभी तक नहीं देखी इत्तेफाक से, नहीं देखी ना करो यार। ओ याद है, हर दफा लिख के लगता हूँ और हर दफा लिख के रखता हूँ, हर दफा भूल जाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मुझे अभी बल्कि अच्छा याद आ गया, आई विल मेक अ नोट ऑफ इट। मैं डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग पे भी गया था, मैंने उनको बोला भी था, बल्कि यू रिमाइंड मी ऑफ दिस, मैं एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाता हूँ एंड आई विल आल्सो सेंड इट टू यू, ये लिख लेता हूँ, यू डोंट No nicotine to send and जो जिन डॉक्टर्स के साथ मेडिकल मीटिंग की। How long are we going to continue? It's 8:26 and I am tired now. मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मैं लिख देता हूँ ना। मैंने इसलिए रिमाइंडर दे दिया। ये लोग तो हमें करने देंगे बट नहीं मैंने लिख दिया कि आधे घंटे में हम कर देंगे, क्योंकि आ गया 9 बज रहे हैं एंड मुझे भी इट्स डिनर टाइम। यस यस, प्लस इस फ्राइडे भी तो है, जुमा भी तो है, अभी भी मेरे प्लस आई गॉट समथिंग, अभी भी ऑफिस से मैसेज, प्लस आई हैव गॉट समथिंग वेटिंग एट द बैक। यस यस, मुझे पीछे नजर आ रहा है बिकॉज़ आई गॉट समथिंग न्यू टुडे। अच्छा क्या न्यू आया? I got a new game. It's Guardians of the Galaxy and it's pretty damn impressive. So yeah, मेरे पास भी आ रही है। What? मेरे पास मैं Legion i7 ले रहा हूँ। अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
तो आपके लिए कंसोल बेहतर है इवेंचुअली गेट अ कंसोल। नहीं मेरे जो काम है ना उसके लिए मुझे क्या इश्यूज है मुझे भी थोड़ा सा इवन आई नो द इश्यूज। तो वन तो आपने अवेयरनेस बोला था, दूसरा वॉज द प्राइस ऑफ the comparative price between the two consumer products ke cigarettes are cheaper internationally agar dekha jaye to e-cigarettes are cheaper than I know but you have to also consider the fact ke internationally not looking at the current state yahan ab jo ho gaya hai US ka but I am also sleepy wahan pe aapka GDP per capita income zyada thi, people were had a living wage then, ab to अलग चीज है बट लाइक चलो लुक एट अदर कंट्रीज एज वेल। तो वहां पे गेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज स्टिल चीपर देन कंटिन्यूइंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहां पे तो ऑब्वियसली हमने पूरी चीजें डिस्कस कर ली बट दैट्स लाइक द सेकंड पॉइंट ना, व्हाट्स द अदर इशू इफ देयर इज एन अदर इशू दैट वी इशू। अवेयरनेस हो गई, प्राइसिंग हो गई, तीसरा इशू हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा इशू वाज गवर्नमेंट सपोर्ट रेगुलेशंस, that's the third issue. ठीक है, are these ये तीन issues important, तीन base issues हमारे यही हैं। base issues हमारे यही हैं कि एक तो awareness हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, awareness हो गया, दूसरा pricing हो गई, pricing must be correct अगर हम आगे push करना चाहते हैं एक चीज़ को, तीसरा issue यही हो गया कि भाई government support is required है, चौथा issue अगर आप बोलना चाहें तो that should be कि doctors do also you know start supporting us. Both awareness ka word of mouth nahi, doctors ka word of mouth is very important. Agar ek doctor hi bol de ki nahi yaar ye cigarette se behtar, cigarette behtar hai, cigarette pee lo isse, to phir baat wahi aa jati hai ki bhai ha 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 kya kar rahe ho yaar tum, to galat tarike se kuch hai aapke doctors aise, kuch nahi majority unfortunately kuch wo hain jo ki akalmand hain, यहाँ तक कि दिस इज काफ़ी निकोटीन नॉट ओनली हम ये इन सारी चीज़ों में नहीं, काफ़ी अदर मेडिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, निकोटीन इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिसिन एज वेल। हम लोगों को, हम लोग तो उस सेंस में देख रहे हैं ना कि यार ये एक एडिक्शन को फाइट ऑफ कर रहे हैं, मगर निकोटीन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अदर पर्पसेस। You should watch You Don't Know Nicotine, इसके अंदर सब बोला वो बताया गया है। इट्स वेरी, आप भी बोल दे रहा, मैंने तो सारा बोल रहा नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा और बुलवाना है सॉरी मैं आई वांट, मैं ये चाह रहा हूं बंदूक चला बोले बोले, मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई बंदा यहां पे देख रहा है जो अभी भी सिगरेट पीता है या हु इज ऑन द फेंस, आप उनको क्या बोलोगे? आई मीन जस्ट इमेजिन यू कन्विंसिंग देम as someone, चलो मुझे तो अगर कोई, मैं अगर बोलूं तो लोग बोलेंगे हाँ यार obviously you are the founder of base app, आप तो बोलोगे। शुरू में घंटे भर बैठ के हमने convince ही किए लोगों, आप नहीं मतलब आप पंद्रह दिन चलो भूल गए, अब आप मुझसे वो conversation कर रहे हैं as a refresher ताकि आधा घंटा उसमें निकल जाए। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए first of all सबसे पहले जो सवाल मैं initially अगर किसी से भी बैठ के बात कर रहा हूँ तो मैं अभी सिगरेट पीती कितने मतलब के एक पी लिया, दो पी ली, तीन पी लिया, या डब्बा पी लो या दो डब्बे पी लो जो भी है, ज़्यादातर ऑन एवरेज यूजली होता है डेढ़ से दो डब्बा। जो हार्ड कोर स्मोकर होगा आप जिसको बोलते हैं ना, जो चेन स्मोकर है वो डेढ़ से दो डब्बा रेगुलरली कम से कम पी रहा होता है। ठीक है, उससे ये पूछने का मकसद ये होता है कि उसको भाई बोलो कि इतनी निकोटीन तुम्हें ज़रूरत है या तुम्हें डिवाइस एक्स वाई जी ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि जो चार पांच सिगरेटें सिर्फ दिन में पी रहा है उसको मैं ये थोड़ी नहीं बोलूंगा एमटीएल डिवाइस जाके ले लो, रिक्सॉल्ट ले लो, 35 mg 50 mg ले लो, उसको मैं बोलूंगा एक काम करो कोई लो वॉट सबूम डिवाइस ले लो जिसमें तुम 3 से 6 mg करो, या रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट लंग डिवाइस ले लो उसमें 6 mg आप डालो, वेट करो, मैं उसको इस तरह समझाऊंगा वो फॉलो करो।
मगर जो ऑब्वियसली अ पर्सन कम्स अप एंड टेल्स मी दैट आई स्मोक अराउंड 2-2.5 पैक्स अ डे, आई एम गोइंग टू टेल हिम, लिसन, गेट एन एक्सॉल्ट एटलीस्ट 50 mg, गेट एन एक्सॉल्ट डिवाइस एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट. अलग अलग सिनेरियोज नेसेसरी, फिर उसको कन्विंस फर्दर करना कि भाई ये सिगरेट से बेहतर है. सबसे पहली बात उसको ये बताना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि भाई पहले हफ्ते दो हफ्ते यू गोइंग टू स्पिट आउट अ लॉट. अच्छा ये होता है, ये मेरे साथ ये होता है, ये होता है इनिशियली कोई भी वाले के साथ, तो दो टप्पे वाले के साथ होता होगा, दैट इज विथड्रॉल. वो जब आप छोड़ते हैं तो आपका ये सारा जितना भी अंदर जो है ना गंदगी, वो आहिस्ते आहिस्ते बाहर आना शुरू होगी. कचरा, तो कचरा सारा अपना इनहेल किया हुआ, वो सारा बाहर भी आना शुरू होगा. वो किसी ना किसी तरीके से तो आएगा. और मैंने एक और चीज नोटिस किया, फ्यू पीपल वो उनको होता है हेडेक्स भी होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है, वो भी वो गाइड करना पड़ता है कि नहीं यार देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. पहले तो उनको बताना होता है ना कि ये चीजें होंगी, गले में भी जो है लिक्विड फ्लेवर शुरू में लगेगा. क्यों लगेगा? आप जो है यू नॉट यूज्ड टू यू नो इनहेलिंग दिस. हां द पेपर होता है शुरू में. वैसे ये मैं भूल गया, ये मैं भूल गया हूँ एक्चुअली. वाकई में जब लोग सबोम डिवाइस पीते हैं वो खांसते हैं और उनको डर भी बड़ा लगता है पीते हुए कि यार ये सबोम नहीं. देखिए क्योंकि इसलिए देखिए नॉर्मली सिगरेट जो नॉर्मल स्मोकर है वो एमटीएल करता है माउथ टू लंग, ठीक है. अब उसको अगर हम एकदम से बोल दें, जो अगर वो अगर 4-5 सिगरेट पीने वाला भी, यार तुम डीएल डिवाइस करो, वो गलती क्या करता है? वो एमटीएल की तरह पीता है, उस पर भी आपको गले में लगता है क्योंकि इसलिए ऑब्वियसली वो थोड़ा हाँ निकोटीन कम है और वो जो है वेपर ज्यादा है, वो गले में जाके लगेगा, तो ये भी आ जाती है. फिर ये चीजें डिस्कस होने के बाद फिर हो गया कि यार उसको एजुकेट करना बंदे को कि यार अपनी सबसे पहले चीज हमेशा मैं ये कहता हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ डिसरिगार्ड इट, गो होम डू योर ओन रिसर्च, आर्टिकल्स देखो, कौन कौन से स्पेसिफिकली वो चीजें भी बता दी. जिससे अब तो हमारे मेले तो काम और आसान हो गया, एसएप पे चले गए एसएप पे, और फिर ये वीडियो है, ये वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद ये 2-3 चीजें लिंक्स हैं ये भी चेक कर लो. वेपिंग इंडीड इज 95% सेफर देन स्मोकिंग. और ये सबसे बड़ा चीज तो मैं ये बोलता हूँ, जाके यूके में देखो क्या हो रहा है, देयर आर वेप शॉप्स इन हॉस्पिटल्स. इसका क्या मतलब? It is a medical drug. It's technically, not... you can call it that. Technically, no. In order to explain it to somebody. चलो. In order to explain it to somebody, हमारी डड्डू आवाज करने के लिए. डड्डू आवाज मैं हूँ, उसको explain किसी ना किसी तरीके से आपको करना पड़ता है. आप अगर कोई philosophical बातें करना शुरू कर दें उसको उस पर आप explain नहीं कर सकते. Time लगता है इन सारी चीजों. तो ये सारी चीजें समझाने के बाद, if a person is convinced, they're more likely to buy a device, they're going to buy an e-liquid and they're going to go home, simple as that. But your journey doesn't just you know start over there. Aapko time lagta hai, you aren't necessarily going to completely stop smoking the day you buy a vaping device. You have to ask the person to be patient, you have to guide them ki yaar dehydration ho jati hai to pani zyada piyo, skin dry ho jati hai, 2-3 issues hote hain, ye sari cheeze bhi follow karo. मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ. आई डोंट नो द इम्पैक्ट क्योंकि एसएप इज नॉट द फर्स्ट, इससे पहले भी एक निकली थी, बट एसएप की ये जो यूनिक चीज है, मैं अपने वही अपना मंजन में बेचूंगा, अपना मिट्टू वाली बात है, अपना चूर. बट ये बात है कि आपके इससे पहले जो है एक ऑर्गेनाइजेशन पैंथर, वो है, बट इट्स रन बाय टू एजेड जेंटलमैन एंड देव नेवर वेप्ड एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेपिंग. तो इवन दो देयर हार्ट कुड बी इन द राइट प्लेस, वही बात है कि आई मीन फंडिंग उनको मिलती है, दे प्रॉब्ली मेड इट बिकॉज ऑफ दैट, वो करते हैं. बट एक साल उनको मैंने दिया, I did help them at the start कि यार उन्हें study करनी थी, मैंने कहा चलो I know everyone in Pakistan, तो I'll help you get in touch. अच्छा I remember these guys.
वही तो उन लोगों ने करा, ये लोग आए थे, इन लोगों ने स्टार्ट करा, बट एक साल उनको जब मैंने देखा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार दे डोंट नो द इश्यूज, इनको बताने का कोई, ये करने का कोई वो है नहीं, वो लिंक्स पोस्ट करते रहे हर चीज़। तो फिर ये चीज़ मुझे सुन के अभी खैर बड़ी खुशी हुई है कि ASAP has become a sort of repository, the only one in Pakistan, and ये कि you can't technically say कि it's the one-stop shop, अगर किसी बंदे को आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वेपिंग की, आप ये कह सकते हैं यार ये सब का पेज है, जाके चेक कर लो। और हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है पेज के ऊपर, इफ यू आर ट्रूली वांटिंग टू क्विट स्मोकिंग, यू आर नॉट गोइंग टू इवन हैव टू इवन मैसेज अस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी है उस पेज पे, और वो भी हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग लिंक सिर्फ शेयर करें, हम लोग खुद ही उसको किस तरह एक्सप्लेन करने एक एक चीज वो हमने उस तरह पुश की है। इट्स नॉट द स्पैम के यार एडवर्टाइज quit smoking, इस तरह नहीं है। There's a lot more information revolving on that page. और this is what even I have enjoyed about working with ASAP, is के हम लोग proper information and proper issues को discuss करके we're putting a leg forward, and we're actually taking the community a leg forward after that. तो ये काफी अच्छी चीज वाकई में है। मैं honestly कह रहा हूँ। बट मुझे सब अभी भी मुझे इस बात पे एक थोड़ा सा क्या बोलूंगा, मुझे डाउट कंप्लेन नहीं, अभी दुख तो नहीं बोलूंगा, कोई टर्म मैं सोच रहा था कि अभी भी मुझे इस चीज पे हाँ डिसअपॉइंटमेंट रिग्रेट समथिंग अलोंग दोज लाइंस आर क्लोज टू दैट, कि यहाँ पे अभी भी लोग इतने वोकल नहीं है। दे आर वोकल व्हेन द पुलिस स्टॉप्स देम, पुलिस अगर रोकती, अच्छा दे नेवर स्टॉप मी, मैंने तो लाहौर में ट्रैफिक फोर्स वाले से लड़ा हुआ है, इधर मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेपर्स हमारे जो है इतने कंसर्न है, ये प्रॉब्लम हमारी आवाम की, हमारी आवाम जो है इश्यूज जो उनको खुद फेस कर रहे हैं, वो लोग कभी बाहर निकलना नहीं चाहते, उस चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहते, उस चीज़ के लिए लड़ना नहीं चाहते। अभी जब ये प्राइस हाइक हुई, अगर आप मुझे बताएं कंज्यूमर कहता नहीं वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, हम नहीं खरीदेंगे, हम बायकॉट करते हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता कि वेंडर्स को जाके इवेंचुअली कुछ ना कुछ करना पड़ता है इस बारे में? दे वुड कट कॉर्नर्स, प्राइस कम करते हैं वो, बिल्कुल कुछ ना कुछ करना पड़ता ना, मगर क्या हुआ, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका एग्जांपल मैं वो कह सकता हूं, 2 साल पहले रमजान में जो के फ्रूट का बायकॉट हुआ था, कि पूरा कराची में, आई डोंट नो पाकिस्तान में, मगर कराची में हुआ था कि किसी ने फ्रूट लिया नहीं था, सड़ गया था, सस्ता मिल रहा था। हमने जो है आई थिंक रमजान के शुरू के 10 दिनों में हमने फ्रूट लाए नहीं थे, क्योंकि उसने हमने कहा हम भी बायकॉट करेंगे, हम नहीं लेंगे जब तक के जो है सही प्राइस पे एक चीज नहीं मिलेगी, क्यों लें? अब वो उसमें ठीक है, बीच में जो लोग हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनका नुकसान होता है, होने दो, मगर इट विल बी फॉर अ शॉर्ट वाइल। वो इनका काम है कि वो देखें उसको किस तरह इन लोग काउंटरैक्ट करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि मैंने ग्रुप बनाया था, मैंने कोशिश की, The only way in order to give them a push is when consumers say कि no। अब वही तो मसला है। जब तक ये पैसे इनके नहीं रुकेंगे, तब तक कौन, किसको, क्या, क्यों करेगा कोई कुछ? नहीं, वही बात है। आपको पीछे से चीज महंगी मिल रही है, आपको पीछे से एक चीज जो है, चले ये आपको पहले 10 रुपए का पीछे से मिल रहा था, आप बेच रहे थे इसको 50 रुपए, अब आपको ये पीछे से जो है 30 रुपए का मिल रहा है, अब आप इसको 100 रुपए का बेच रहे, आपको कोई फर्क पड़ा? Does it affect you? You are making the same amount of profit, बल्कि आपको instead एक फायदा मिल गया। क्यों यार, अब डिस्काउंट्स बंद कर दो और प्राइसेस थोड़ी और बढ़ा दो, क्योंकि इसलिए महंगाई हो गई। आपने तो सीधा सीधा ब्लेम किया इन्फ्लेशन को, और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, मैंने ये एक्चुअली लोगों को बोला है, देखते हुए बोला है कि भाई यार वो इन्फ्लेशन हो गई है ना, इस वजह से प्राइसेस बढ़ी। एक्चुअल रीजन तो इट्स स्टूपिड, इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी बढ़ी है, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बिकॉज़ प्राइसेस इन्फ्लेशन वाली तो ऑलरेडी बढ़ गई ना, देखें ये बॉटल पहले 2800 की मिलती थी, अब 3500 की मिल गई। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, ये आई नो हुआ क्या है, क्योंकि मेरी ये जो लीगल, माय अदर वर्क,
is linked to what happened. It's आपका दो तीन साल पहले या दो साल पहले जब FED लगा था 10 रुपए per ml on flavors, customs में वो implement नहीं हुआ था. आपके जो vendors थे ना, ये अपनी flavors निकालते रह रहे थे टोबैको में निकाल, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ PCT नहीं है. पाकिस्तान में देर इज नो PCT, देर इज नो कस्टम टैरिफ बोर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फ्लेवरिंग्स. देर इज वन फॉर हार्डवेयर बट नॉट फॉर फ्लेवरिंग्स. तो इसका एक इशू आता है. एंड आई हैव टॉक्ड टू वेरियस कस्टम्स ऑफिशियल्स इन द रिसेंटली एंड इन द पास्ट के यू नो यू गाइस शुड हैव वन जिस जो इसके अंदर खोए. एंड आई थिंक इन 2022-2023 एक प्लान है वो, क्योंकि आपको वर्ल्ड कस्टम्स का टैरिफ ही काइंड ऑफ अडॉप्ट होगा. बट ये इस वजह से आपके जो फ्लेवर्स थे ना, कस्टम्स वाले खुद भी टोबैको में क्लियर कर रहे थे एंड आपके वेंडर्स डिडंट गिव टू शिट्स. वो बोल रहे थे यार हो रहा है, होने दो, हमें चाहिए माल बेचने के लिए. अब वो निकल रहा था विदाउट दैट FED बीइंग चार्ज. क्योंकि आई रिमेम्बर जब FED का आया था, मैं हैरान कि यार मुझे फ्लेवर्स महंगे नहीं मिल रहे, मुझे तो कोई रेट के मिल रहे हैं. आई वॉज जेन्युइनली, मैंने हमजा से बात करी थी लिबैप वाले से, एंड मैंने बोला था कि यार ये फ्लेवर्स महंगे होंगे. उसने बोला हाँ, बट उसी रेट पे मिल रहे थे हर जगह. अच्छा ओके, मे बी दे अब्सॉर्ब द कॉस्ट आई थॉट, या मे बी उन्होंने कहीं से और सस्ता लेना शुरू कर दिया. नहीं, हमारे वेंडर्स इतने अच्छे नहीं है, नेक नहीं है, दे विल अब्सॉर्ब द कॉस्ट. नहीं तो मैंने सोचा था. व्हाट हैपेंड वाज कस्टम्स को जब अभी FBR ने डंडा करा था कि वी वॉन्ट मोर रिकवरी, वी वॉन्ट मोर मनी. So what happened is कि इन लोगों ने जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट है, इन लोगों ने निकाला एंड रिकवरियाँ क्रिएट करनी शुरू कर दी. अब जो नए फ्लेवर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट द रिकवरीज, बट दिस इज वट पोटेंशियली कैन हैपन. अब आपके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट फ्लेवर्स पे लग रहे हैं FED लग रहा है. अब FED जो लग रहा है, दैट बेसिकली इंक्रीजेज द कॉस्ट 1,000 rupees फॉर 100 ml की बॉटल. इट इज जो भी प्राइस है उस पर 1,000 rupees आप एड ऑन करो, बिकॉज दैट इज द टैक्स. 1 ml पे 10 रुपए, 100 ml पे 1,000 रुपए हो जाएंगे. तो आप एकदम एक जंप आ गया. और जितनी पुरानी कंसाइनमेंट्स करी है, पाँच साल की जो आपकी कंसाइनमेंट्स है उस पर आपका ऑडिट हो सकता है. वो ऑडिट हो जाए तो जितने भी वेंडर्स हैं ना, उनकी हो रहा है, नोटिस आ गए हैं, होने जा रहे हैं. अभी नोटिस आना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम में, तभी तो ये लोग अभी से जो है शोर मचा रहे हैं. इनको खबर मिल गई है, मतलब कि दे हैव बीन कम्युनिकेटेड के होने वाले. वो तो ऑब्वियसली कस्टम वाला खुद ही बोल देगा. तभी अभी आप टेक्निकली देखा जाए तो ये लोग पुराना स्टॉक भी इन लोग ने महंगा किया है. इन लोग ने नया स्टॉक तो अभी तक तो कोई मंगवाया नहीं है इस डर से. हाँ, मगर मैंने कल मंदी क्या करी, जब मुझे पता चल गया था ये होने वाला है ना, तो मैं ये गया फ्लेवर लेने के लिए. उसने मुझे बोला कि सर अगला स्टॉक महंगा आएगा. मैंने कहा यार इसी की 5 बोतलें मुझे निकाल के दे दो. मैंने 5 से 6 बोतलें ले ली. नेक्स्ट टाइम मैंने ही मैसेज किया था आपको, आपने मुझे बोला था, मगर उस दुकान वाले ने मुझे बोला. एंड जब नेक्स्ट टाइम मैं गया था कॉइल लेने के लिए, उसने बोला था सर आपने कितनी बोतलें ली थी. मैंने कहा यार 5 या 6. कहता मुबारक को, आपको पता नहीं कितने 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हो गया. मैंने कहा क्यों? कहता महंगी हो गई बोतलें. मैंने कहा तो मुझे प्रॉफिट तो चलो एक तरह से नहीं हुआ, आई एम नॉट सेलिंग देम, प्रॉफिट नहीं हुआ, यू सेव्ड मनी फॉर बाइंग. आई सेव्ड मनी, आई बेसिकली गॉट 1.5 bottle फॉर फ्री वाली बात हो गई, क्योंकि तब महंगा हो गया है. बट रीजन के भाई अगर इतना महंगा हो रहा है तो आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच. वो ये नहीं कि आई कांट अफोर्ड इट, इट्स आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दैट. बट ये तो आपके लिए है ना, फॉर यू इट्स है ना. मेरे हाथ बड़े लग रहे हैं कंपेयर टू माई हेड, मगर क्योंकि मैं टेक लगा लिए, मैं भी थक गया हूँ. टेक लगा लिए, मैं कल से लेट्स एंड इट सून, इट्स 8:46. मैंने उनको बोला आधे घंटे में एंड करूंगा. बस अभी 13 मिनट रहते हैं, 47 हो गए. बट चलो, what I'm trying to say is ke you who've left smoking is considering leaving vaping because ab wo mehngi ho gayi hai. So that's a very big barrier, and that makes adopting alternatives for smokers prohibited. Ke exactly. They will not consider shifting to vaping now
saying कि यार it's इतने पैसे कौन खर्च करे, आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वो the only person जो shift करेगा is someone who basically has a time limit, या जिसको एक डॉक्टर ने या तो ऐसी डेथ सेंटेंस इसको एक तरह से दे दिया कि भाई जान यू विल नॉट सर्वाइव अनदर ईयर और सो इफ यू कंटिन्यू विद दिस, या जिसके घर वाले इतने तंग आ गए, या बंदा खुद एंड ऑफ द रोप्स पे आ गया कि यार मैं वाकई में छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं क्या करूँ। समवन हु कैन अफोर्ड इट तो चलो ठीक है, बट एक तरह से नया कंज्यूमर फेल भी कर लेगा जो कि अफोर्ड कर सकता है, नया बंदा आ रहा है पोटेंशियल, वो फेल भी शायद कर ले, वो ये अपने दिल पे पत्थर रख के वो शायद कह के यार चलो मैं ले लेता हूँ, कर लेता हूँ, मगर जो एग्जिस्टिंग है वो अफेक्ट हो, और एग्जिस्टिंग भी अफेक्ट होना हमारे लिए एक नेगेटिव बात ही है। बट देखो इस पे आपका सॉल्ट निकोटीन इज द सेवियर, इवन दो मुझे सॉल्ट निकोटीन बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉल्ट निकोटीन भी अच्छा खासा महंगा हो गया, बट इट लास्ट लॉन्गर, वो लंबा चलता है। आई मीन इट्स कोई बात है ना, नहीं आप मुझे ये बताएं, जो बंदा आम बंदा ठीक है, हु डजंट अर्न मच, वो पहले 2500 रुपए की जाके 2600 रुपए की सॉल्ट की बॉटल ले रहा, अब उसको अगर वही बॉटल 3200-3500 की पड़ेगी तो आपको नहीं लगता कि उसको इफेक्ट पड़ेगा? ये पहले कितने की, अब कितनी हो गई है सॉल्ट निकोटीन की बॉटल? 32 रियली कितने एमएल? कुछ वही 30 एमएल, या दैट्स कंपेयर्ड टू दैट, तो आई थिंक आई एम बेटर ऑफ विद माय 100 एमएल बॉटल, पता नहीं कितने गई, मैं यहीं पर रखती हूं, अभी ऐसी चीजें ना घुमाए, बहुत कीमती चीज है, नहीं उसके अंदर फ्लेवर खत्म भी हो गया था, नहीं वो दो कतरे भी प्लस उस पे 10-10 रुपए एक्स्ट्रा लगा ले, बाकी में पता नहीं कहां गई, वही देख रहा था कहां इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा चलो है हां। तो ये जो है अब हम लोग द बेस्ट वी कैन डू इज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ होप इनवॉल्व्ड इन इट एज वेल, के भाई के भाई बस उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना थोड़ी हमारे लिए बेहतर हो जाए, हमारे एफर्ट्स एक्चुअली जो है ना इस चीज़ को बेहतर कर सकें और ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व कर सकें, बिकॉज द ओनली वे वेंडर्स विल स्टेप फॉरवर्ड इज जब कस्टमर्स विल स्टैंड अप एंड से नहीं हम तो नहीं पीएंगे। तो मैं काम करता हूँ, अभी एंड का एक तरह से टाइम नहीं हुआ, बट आई विल जस्ट से दिस के ASAP एसोसिएशन फॉर स्मोकिंग अल्टरनेटिव्स पाकिस्तान कोशिश बहुत कर रहा है कि आप लोगों के राइट्स एज कंज्यूमर्स को ट्रैम्पल ना करा जाए। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि आपकी जो सिगरेट है वो इट्स क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड, आप एंड अ कंज्यूमर गुड इस सेंस में कि आप शॉप पे जाके आप ले सकते हैं, यू डोंट नीड एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर इट, यू डोंट नीड एनीथिंग, इट्स अ कंज्यूमर गुड, आप जाके आपको सिगरेट पीनी है आप जाए, देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू, दुबई या बाकी जगहों पे आपको आईडी कार्ड देनी पड़ती है, पाकिस्तान में भी इट्स इलीगल टू स्मोक इफ यू आर अंडर 18 बट द लॉ इज नॉट इन्फोर्स्ड, तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वी वॉन्ट कि आपको पता चले यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन जो आपको डिनाई हो रही है, it's not being conveyed, it's not out there, hum wo information de rahe hain aapko ki listen there is some technology aage badh gayi hai, jaise aapki let's say aapko jab mobile phone nikla tha it came first to the US, came first to developed countries, pakistan mein wo trickle down hone mein time laga tha, even aapka I remember 3G was very common in the US and everywhere, yahan pe aapka GPRS was still nothing, 3G. Remember 3G se 4G aur LTE pe hamara jump bahut tez tha, because wo sara jo tez nahi tha, tez nahi tha hamara 2G 3G se 4G tez tha, 2G to 3G took forever, how you see waqi mein chat, because wo isme licensing ka issue tha, nahi I remember, we're digressing, मगर मुझे याद है 4G आपके UAE और बांग्लादेश में मिलता था, 4G यहाँ आने में टाइम लगा था क्योंकि 4G जब आया था उसकी टेस्टिंग हो रही थी एंड एवरीथिंग, तो बट ये है कहने का मेरा मतलब ये है कि आप 4G जब आ गया है यहाँ पे आपका आप बहुत जल्दी अडॉप्शन हो गई, इंटरनेट कंप्यूटर्स मोबाइल फोन की बहुत जल्दी अडॉप्शन हो गई है, टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू सॉल्व इशूज दैट वी हैव क्रिएटेड, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स, द
जैसे हमारी ही पोल्यूशन की वजह से सब कैंसर हो रहा है, सब मसले आ रहे हैं, तो वी क्रिएटेड दी N95 मास्क, वी क्रिएटेड एयर प्यूरिफायर्स, जैसे इंडिया में आपके एयर प्यूरिफायर्स हैं, लाहौर में हमारा बड़ा इशू है, वहाँ पे आपके एनवायरमेंटल लॉयर का मैंने एक पढ़ा था इंटरव्यू, ही सेड कि मैंने अपने दरवाजे के खिड़कियों पर गीले तौलिए लगा के फिक्स करे हुए हैं एंड हर कमरे में मेरा एयर प्योरीफायर पड़ा होता है. तो यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू गेट रिड ऑफ बैड habits, you get rid of bad problems. Similarly, Pakistan is slow to adopt technologies, but जब वो technology आती है उसके बाद उस technology का boom बड़ी जल्दी होता है. इसलिए I mean आपकी आ गई है, it's tried, tested in many countries and Pakistan it has been tried and tested. There are 100,000 लाखों में लोग हैं यहाँ पे जिनने shift करा है, आपकी शॉप स्केटर करती हैं एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन, यू प्रॉब्ली थिंक जो भी लोग देख रहे हैं उनको लगता होगा कि यार ये चीज़ सही है नहीं है, अगर इस ऐप के आप पेज पर अगर आप जाए, आप हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप जाए, आप सर्च करेंगे फेसबुक पे ट्विटर हो गया जस्ट गो देयर. मेरी अपनी एक पॉडकास्ट है मुजम्मिल के साथ, उसमें वो और डिटेल है, इट्स अ वन आवर थिंग. इफ यू डोंट वांट टू वॉच, इफ ए लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हैं आपको लग रहा है यार इट्स टू लॉन्ग, तो यू वॉच द मुजम्मिल वाली वीडियो, उसके अंदर आई हैव बीन आस्क्ड प्रॉपर क्वेश्चंस एंड मैंने पूरी चीज एक्सप्लेन करी भी है. आप हमारे पेज पे जाके जो आर्टिकल्स शेयर कर रहे हैं, आर्टिकल्स बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, उनकी रिपोर्ट्स हैं, कैंसर रिसर्च UK और बहुत सारी चीज़ें, हमने न्यूजीलैंड की भी चीज़ें शेयर करी हुई, आपको आइडिया होगा, आप बोलेंगे यार ये वाकई में वाई आर दे सेइंग दैट. एंड यू कीप इन माइंड कि UK गवर्नमेंट की UK the healthcare is free. So why would they recommend something that can potentially bite them in the ass and increase the healthcare cost for the government? They have to pay for people to get treated. So they're recommending vaping because that is they know that is the way ke aapke wahan pe health impact, aapke smoking related diseases better ho jaye. I mean like unki incidence kam ho jaye. यहाँ पे भी हम यही अवेयरनेस चाह रहे हैं, हम वही इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर रहे हैं कि यार आई वी डोंट नो कि गवर्नमेंट कब करेगी भी नहीं करेगी, वी ट्राइंग आवर बेस्ट, मगर यू एज अ कंज्यूमर इफ यू कैन अफोर्ड इट देन यू एंड इफ यू कांट क्विट स्मोकिंग, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, तो भाई आप खुदा के वास्ते आप जाएँ और आप इस चीज़ पर अडॉप्ट करें. और अगर आपको किसी बंदे को कन्विंस करना है, हमारा पेज है आप वहाँ जाके देख सकते हैं. हम लोग असिस्ट भी करते हैं, हम लोग फॉरन रिप्लाईज देते हैं जो अगर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है या गाइडेंस चाहिए होती है, तब हम प्रोवाइड भी करते हैं. वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इफ़ यू वांट यू कैन, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, गो फॉर इट, मैसेज अस, वी हैवंट स्टॉप्ड एनीबॉडी, एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू डू दैट. हाँ, गूगल कर ले, आई मीन देखो गूगलिंग इज अ डबल एज सोर्ड, मैं बोलूँगा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, इट्स बट यू हैव टू कीप इन माइंड सिगरेट, बट देयर इज नो डाउट इट इज़ बैड फॉर यू, नो वन, कोई बंदा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि यार सिगरेट पीते रहो, सब आपको बोलेंगे छोड़ दो. तो एक चीज़ जिसके बारे में आपको जिसके बारे में आपको चलो मिक्स्ड ओपिनियन भी मिल रहा है, बट ओवरवेलमिंगली आपको एक पूरा कंट्री ने अडॉप्ट करा हुआ है, अब तो दो कंट्रीज हो गए हैं, ज़्यादा हो गए, कनाडा में भी ज़्यादा इसका वो प्रेवलेंस हो रहा है, दे सीइंग बेनिफिट्स लोअरिंग स्मोकिंग रेट्स. एंड यार मैं एग्जांपल हूँ, देयर मेनी वेपर्स वो एग्जांपल्स, आई एम एन एस्थमेटिक जिसका एस्थमा हैज ऑलमोस्ट गॉन अवे, आई हैव बीन वेपिंग, आई एम यूजिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर ऑलमोस्ट 8 years, आई हैव नेवर गॉन बैक, अगर मैं इफ आई फॉरगेट माई वेप, मैं घर पर अगर भूल जाता हूँ, मुझे ये नहीं होता कि यार आई फॉरगॉट माई वेप, I need to have a cigarette. No, I don't want to smoke. That thing is gone away. I will rather go without anything than smoke. I would prefer कि मैं vape करूँ. And आप वो भी छोड़ सकते हैं. If you want to quit cold turkey, ठीक है. But you've tried. आप लोगों ने कोशिश करी होगी कि आप cigarette छोड़े और आपने cold turkey नहीं छोड़ी. तो just move to something. Move to vaping. Lower the nicotine amount. ठीक है, आप वेपिंग भी शिफ्ट हो जाए, आप इमीडिएट हेल्थ बेनिफिट्स देखना शुरू कर देंगे. इट टेक अ मंथ और टू, मगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स आएंगे. वहाँ से आपके जैसे कम होते रहेंगे, आप बेसिकली आपके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते रहेंगे. आपको अगर मूड हो रहा है, आप एक काम करें, सॉल्ट टेक से शुरू करें, जिससे भी आप निकोटीन कम करना शुरू कर दें.
जब आप जीरो पे आ जाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है अगर कोई चीज चेक करनी है, वेपिंग और स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ, आप एक स्मोकिंग छोड़ने से पहले अपना लंग स्कैन करवा, फिर एक दो साल बाद आप जाके अपना लंग्स का स्कैन करवा, एक्सरे करवा, एक्सरे डेफिनेटली करो, उससे आपको काफी बड़ा अच्छा किस्म का तगड़ा किस्म का जवाब मिल जाता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है और इससे फायदा हो रहा है और इफेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात तो आपका डेली रूटीन में ही इतना फर्क आ जाता है, यू डू नॉट फील लेजी एंड टायर्ड ऑल द टाइम जिस तरह स्मोकिंग में होता था, आप हर जगह खास नहीं रहे होते, आपके मुंह से हर दफा बलगम निकल के थूक नहीं रहे होते उधर उधर की भाई बस ये कहीं किसी तरीके से बस ये खास ही रही, सिंपल मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ था, बट जस्ट हियरिंग अबाउट दैट, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, काफी काफी सारे लोग, ब्रोंकाइटिस तो बहुत कॉमन बीमारी है सिगरेट्स की वजह से, और बल्कि आज रिपोर्ट आई है, आज रिपोर्ट आई है, एवरी वन इन एवरी फोर पाकिस्तानी इज अ डायबिटिक एंड स्मोकिंग इज आल्सो समथिंग दैट पुशेस डायबिटीज ऑन यू फास्टर, उसकी वजह से आपका the point in which you become a diabetic, a full blown diabetic, heart patient aap smoking ki wajah se bante hain, heart attack smoking ki wajah se, wo to hai, wo to hai, but main diabetes ka log ko itna pata nahi hoga na, to aaj ye aaya tha and many people don't realize it, but diabetes ki wajah se you basically shorten your life, aapko peripheral neuropathy ho jati hai, you might lose your foot, so muscle ho sakte hain, एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, मीठा नहीं खा सको आप, आई थिंक हमारा वैसे भी एक मिनट रह गया है, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग अस रैंट अबाउट स्मोकिंग, हाउ मच वी हेट इट एंड हाउ मच वी वांट पीपल टू मूव अवे फ्रॉम इट, शुरू में वी लव्ड इट बट देन शिट हिट द फैन, यस वेक अप, एक एक वी स्टॉप्ड बिफोर शिट हिट द फैन, यस and abhi kya message aaya hai, I think we can leave, ek minute let me just confirm, it's over, are you breaking up with that person, talak de rahe kya, main aapko bata raha hu ki khatam ho gaya hai, aur maine message bhi galat likh diya, okay goodbye everyone and thank you for listening and if you have any questions just check out the ASAP page, humne urdu mein bhi we've told everyone in urdu as well, but if someone is watching and wants to see the work you're doing in Pakistan, please like, search page, for support it, share it with your friends, share it with your family, share it with smokers most important, yes, and make sure everybody watch checks it out, we send out regular updates, we post regular information about cigarettes and vaping and everything. Well, that's it. Goodbye, everyone. Allah Hafiz. I'm doing it every day. After 10 minutes, after 5 minutes, if I quit that, I feel like headache very badly. I was feeling very bad about myself.